सबसे पहले मेरी बाल्टी रखी थी। ए, मेरी बाल्टी किसने हटाई? वही जवाब नहीं देता। अच्छा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पानी लेता हूँ। अरे पर ये अंडा तो मेरा है। होने दे, मेरी दाल जल रही है। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्ती है। देखो मैं कहता हूँ पानी वापस लो जाना, वरना क्या, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे मेरा गुस्सा भी बहुत खराब है। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ये बात है? हाँ ये बात है, ये बात है। हाँ ये बात है। गवार कहीं का? गवार तू, तेरा बाप। बड़ा आया पिलपिली पहलवान। अरे क्या पहलवान, तुम तो सर तोड़ रहे थे ना। अरे हटाओ यार, मेरा गुस्सा खराब है, कहीं मरमरा जाता फिर कभी देख लेंगे। लेकिन वो आए कौन? अरे वो अपने पांडे जी है ना, उनके पड़ोस में एक नया साहब आया है, उसका रसोईया है। ओ रसोईया। फूंक फूंक कर चूला अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहू है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हा बोल मेरे दुखिया मन, कब तक ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाता और ये और वो और धर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत यो दास। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। हाँ बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। हो भैया हमारा है एमए बीए पास, हाँ हाँ भैया हमारा है एमए बीए पास, भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास, भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास, सूखी सूखी घास छी छी सड़ी सड़ी घास, तेरा सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। रूखी सूखी रोटी और नींबू का अचार, हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। हाँ हाँ रूखी सूखी रोटी और नींबू का अचार, हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास, गरम 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 कचौरी पूरी खूब तलेगी, गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी, बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, बड़ी दुनिया जो देखेगी है हाय, बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। होगा एक दिन हमारे भी पास बैरा, हा 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 ह
होगा एक दिन हमारे भी पास बहरा देगा दरवाजे पर गोरखा पहरा देगा दरवाजे पर गोरखा पहरा मैं बन कर साहब गिट पिट इंग्लिश बोलूं रे मैं बन कर साहब गिट पिट इंग्लिश बोलूं रे ये चौका बर्तन छोड़ के होटल खोलूं रे ये चौका बर्तन छोड़ के होटल खोलूं रे इंग्लिश बोलूं रे होटल खोलूं रे गिट पिट बोलूं रे होटल खोलूं रे निकले मेरा जुलूस बैंड बाजे के साथ रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी बरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी हाँ बरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी अरे दाल गलेगी अरे दाल गलेगी अरे दाल हाय 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 अरे गली रे दाल एक रोज हमारी भी दाल गलेगी अरे माधव क्यों इतना शोर मचा रखा है गाता जरा तबियत से गा चीजें गिराता है चिल्लाता रहता है ए माधव क्या है बड़े भैया अरे क्या पहन रखा जोकर जाता उतार ये देख चोर ने फिर काट दिया वाह 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 बहुत अच्छा किया तुम्हारा असली रूप सामने रख दिया चोर बाजार से कोट पतून खरीद कर लाते हो तो चूहे काटेंगे नहीं तो क्या रखवाली करेंगे दूसरा कोट दे बड़े भैया नौकरी वोकरी मिली या यूं ही साहब बने घुमा करते हो अरे क्यों साहब बना फिरता हूं तुझे क्या मालूम आजकल कोट पतलून नहीं पहनो तो नौकरी नहीं मिलती खा के नहीं जाओगे मैं आके खाऊंगा तू चूहों का बंदोबस्त कर अपुसी कहां गई चूहों के मारे कमबख्त बिल्ली पाली उसका भी पता नहीं अपुसी ओ पुसी पुसी किधर गई पुसी 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 ओ पुसी ओ भैया मेरी बिल्ली देखी बिल्ली 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 कहाँ है बीड़ी देख तेरी की पुसी पुसी पुशी 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 किसने बांधा तुझे बोल तुझे किसने बांधा है मैं भी उसे ऐसे ही बांध दूंगा बोल किसने बांधा है मैंने बांधा है इस बेरहमी से अगर मर जाए तो मर जाती तो मर जाए रोज रोज दूध चुरा कर पिएगी बांधूंगी नहीं तो क्या गोद में लेकर पुचकारूंगी इसे अरे दूध में तो पानी मिलाती हो थोड़ा सा मेरी बिल्ली पी गई तो हर्जी क्या पानी मिलाती हूँ क्या कहा जरा फिर से तो कहना इसमें कहने कहलाने का क्या ग्वालन और दूध में पानी नहीं मिला ए खबरदार ग्वालन मत कहना हाँ जरा घमंड तो देखो ग्वालन का दूध बेचने वाली को ग्वालन नहीं तो क्या पंडिताइन कहूंगा दिमाग खराब हुआ है मेरा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा ग्वालन 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 चल पूछी बड़ी आई ग्वालन वाली पास वाले साहब का जो खाना बनाता है वो खाना बनाने वाला बामन रसोईयादार अरे हाँ। चल तो मेरे साथ कहाँ गया इस फावड़े से उसकी खोपड़ी दो फाट न कर दू तो पंडित खबरदार गोटी नहीं चुराना मैं उसे मजा सिखा के अब भी आता हूँ चल तो मेरे साथ मैं ग्वाला हूँ ग्वाला करता हूँ तेरी रसोईयादार की तो पिएगी जरूर पिएगी रोज रोज दूध पिएगी मगर हाँ भैया के कपड़ों को फिर चूहों ने काटा अरे चकला बेलन के गुलाम निकल बाहर तू ही टका का हंडिया थी और बामन छोटा मुंह बड़ी बात अरे मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा ठहर तेरे ग्वाले तेरी खाल में भूसा भर दू खून कर दूंगा तेरा खून कर दूंगा तो अरे तू मुझे लगा मुझे लगा मेरा क्या कहा था मेरी बिटिया कहा था क्या कहा था क्या कहा था क्या कहा था तूने क्या कहा था भलन क्या कहा तू दूध बेचने वाली को ग्वाला नहीं तो क्या मारा नहीं कहूंगा हाय 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 हाय
बड़ी तेज अकील है तुम्हारी, देखा था जनेऊ दूध बेचे से बामन ग्वाला नहीं हो जाता है, हमारा नाम महेश वाड़े मालूम? मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। तो ख्याल रखना, जल्दी कर ला। पापू तुम तो खोपड़ी तोड़ने आए थे ना? अरे हटा, ये चूल्हा फूकू महाराज के मुँह लगे। ए खबरदार, खबरदार जो मुझे चूल्हा फूकू महाराज कहा गजब हो जाएगा कह देता हूँ। अरे तो बाबू लोग के रसोईया बना वाले को महाराज नहीं तो कलाट गवर्नर कहेंगे क्या? बाबू, ये बाबू कौन है? अरे वो मेरा सगा भाई है, बड़े भैया। बड़े भैया तो मालूम नहीं रहा भैया, अब तो मालूम हो गया। हो गया तो जाओ। जा रहे हैं। और देखो अपनी बिटिया से कह देना मेरी पूसी को बाधा ना करे, नहीं तो मर जाएगी। मरे तो मर जाए मेरी बला से। तू चुप रह। क्यों चुप रहो? इसकी बिल्ली दूध पी जाए और मैं चुप रहूं? हाँ चुप रह, आदमी अच्छा है। खाक अच्छा है। अरे आदमी पहचानते पहचानते मैं बुढ़ा हो गया समझी? तो रसोईयादार महाराज? फिर रसोईयादार महाराज? नाम नहीं मालूम है भैया। मेरा नाम माधो है। माधो? माधो बड़ा अच्छा नाम है भैया। तो माधो भैया ये बिल्ली काहे को पाल रखा है मेरे घर में घुस के दूध पीने के लिए? अरे दूध पीने को क्यों, चूहा पकड़ने को चूहा। सुना रे कमला, दूध नहीं चूहा, चूहा। तो भैया माधो चूहा के बाद पूछते हो ना तो आओ मेरे साथ। अरे अरे मुझे फुर्सत नहीं, मेरी भाजी चढ़ी चूल्हे पर। भाजी कमला देख लेगी, तू भाजी देख ले कमला। मैं नहीं देखती। अरे देख ले। सुनो तो। हाँ तो माधव भैया यहाँ इतने बड़े बड़े चूहे हैं, अरे सुनो भी कि चूहे दानी में तो अटते नहीं, बिल्ली देख के भाग जाती है बिल्ली। सारा घर खोद डाला है, रात बिरात अगर सामने पड़ जाए ना तो आदमी डरा जाए आदमी। ऐसा और का? चलो मैं दिखाता हूँ। आओ आओ। ओ भैया बिल्ली तो खाली दूध पीती है लेकिन चूहा लोग तो कुछो तो छोड़ दे, कुछ छोड़ दे। अब का बताऊं मैं तुमसे, कमला के जितना नया नया कपड़ा रहा सब काट फूट के सत्यानाश करती है। देख रहे तुम? कमला जरा बक्सा खोल के माधो भैया कपड़ा दिखाओ। मुझसे नहीं होगा, तुम्हें दिखाओ। लड़की अपनी बहुत गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाली। और सच पूछो भैया तो गुस्सा अपना भी कुछ कम नहीं है। गुस्सा मेरा भी बहुत खराब है देखा ना। अरे भैया ये तो बामन का गुस्सा है, पटाक से आया और सटाक से गया। सुख है? बैठो हो जाते। पांडे ये वजीर यहाँ क्यों है? पंडित गोटी चुराया जरूर तुम। सच्ची बोलना। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या लांछन नहीं। ओ पंडित। अच्छा अच्छा हुक्का लाओ। पांडे हो जाए हो जाए हो जाए, चलो यहाँ घटाओ बिछाओ फिर। हाँ पांडे। हाँ देखो देखो ये बैठा। अरे आप अभी तक बैठे हुए हैं, इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गया? जी मैंने सोचा खबर लेके ही जाऊं। हाँ खबर तो परसों मिलेगी। सर मेरी कुछ उम्मीद है? चांसेस तो आपको ही ज्यादा हैं क्योंकि आप ज्यादा लिखे पढ़े हुए हैं। कितनी तनख्वाह की उम्मीद है आपको? जी कुछ ज्यादा नहीं, 40-50 तक। 75 रुपए मिलेंगे। आप चाय पियेंगे? जी नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। अरे अभी तक खाना नहीं खाया, यही कुछ मंगवा दूं? जी मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे बिना खाएगा नहीं। अच्छा परसों आकर खबर ले जाना। क्या क्या तनख्वाह कहा आपने? 75। चल चल जल्दी कर रहे हैं, मैं टेबल लगाता हूँ, बड़ी भूख लग गई तुझे। आप माधु कहाँ गया? कमरा मरा छोड़ के वो मैंने उसे माधु कहाँ गया? वो पिताजी के साथ शतरंज। उल्लू ए माधो। है क्यों पंडित? संभालो, अब संभालो ना। तुम समझते थे मुझे फांस लोगे, अब फांसो। अश्वचक्रम चक्रम चक्रम, बड़े घोड़ा नचा रहे थे। नचाओ नचाओ, ला हुक्का लाओ। चलो पंडित चलो। माधो जब देखो माधो 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 सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम ठहरो पंडित, मैं भी आता हूं, मगर हाँ गोटी मत चुराना, देखना जरा। अरे हम छुआ देंगे इन्हें। ओ ये लो तुम्हारा हुक्का। गधे जल्दी चल खाना लगा।
वाह, तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते तो बड़े भैया, इतनी जल्दी क्यों चले आए? जल्दी तुझे मालूम है कितने बजे? 3 बज गए। 3 बज गए? अरे बापरे, मैंने तभी तो कुछ भी नहीं बनाया बड़े भैया। तूने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया? अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी तैयार किए देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ। अरे दे 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 दे, भाई वाह, सब चौकस करके रख गई। कौन चौकस करके रख गई? वो लड़की, बड़ी अच्छी लड़की है और देखने में भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, तुमने देखा उसे बड़े भैया? खूब देखा, यहाँ मेरा कोट सिलाई कर रही थी। कोट सिलाई कर रही थी? बड़ी अच्छी लड़की है, पसंद आई तुम्हें? हाँ खूब पसंद आई। चलो अच्छा हुआ। ए, सुन, वो ग्वाले की लड़की यहाँ खाना क्यों बना रही थी? अरे ग्वाला नहीं, बामन है बामन। दूध बेचने से कोई ग्वाला नहीं हो जाता। तुम कैसे है मैं भी पास हो बड़े भैया? अच्छी बात है, वो बामन है लेकिन वो यहाँ क्यों आई? अरे वो महेश पांडे है ना, उसने मुझे क्या उसने उसे यहाँ भेज दिया? उसने उसे यहाँ भेज दिया, मैं सब समझ गया। खाक समझ गए? देख वो लड़की यहाँ है तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। हाँ हाँ तोड़ देना। शर्म नहीं आती इतनी बड़ी लड़की, मैं आने जाने का रास्ता ही बंद करा दूंगा। हाँ हाँ मैं बंद कर दूंगा, तुम खाना खाओ ना। ले अल्लाह, जब देखो कहीं कहीं, जब देखो कहीं कहीं। बापू जल्दी से ये नमक तो दे आ। नमक? अरे वारे मेरे वजीर। बापू मैं भाजी में नमक डालना भूल आई हूँ। तो बहुत अच्छा किया बेटा, अब कभी भाजी में नमक नहीं डालना। पंडित गोटी जहाँ कता, गोटी जहाँ कता। बाबा तू जाने क्या खड़ी है? तुम्हारे मारे तो नाक में गले में जनेऊ नहीं पैर में जूते। चल साहब लोग ऐसे खाते हैं। क्या बड़े भैया नमक ही नहीं रहे है? अरे हाँ नमक डालना भूल गई, तुम तरकारी खाओ। तरकारी खा चाहिए, इसमें भी नमक नहीं। तो बड़े तू ना मोला, 3 बज गए, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यहाँ। बड़े भैया नमक नहीं है? मैं फिरा देता हूँ, न दाल में नमक न तक। बड़े भैया ये क्या किया तुमने? वो दाल फेंक दिया ऊपर। मेरा नाम मतलब तूने कहना तूने फेंक दिया? मैं क्या मेरा नाम क्या? तुमने मांग लेना जाके। माफ कर, तुम गलती तुम करो। माफ करना, मेरे हाथ से दाल गिर गई। कोई बात नहीं, ये नमक लाई हूँ। नमक बहुत अच्छा, कुछ ख्याल नहीं करना। गई गई ला। लो तुम कैसे हो बड़े भैया? बेचारी नमक देने आई थी और तुमने उसके ऊपर दाल फेंक दिया। अरे गलती हो ही जाती है, भूख लगती तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है? अच्छी लड़की है ना, इसीलिए कुछ कहा नहीं। क्या नाम उसका? कमला। कमला? हाँ वो महेश पांडे। हाँ वो ग्वाला। ग्वाला? ग्वाला नहीं, बामन। हाँ अपनी जात का। हाँ लड़की तो अच्छी है। तुम्हें अच्छी लगी बड़े भैया? खाओ बड़े भैया। एक बात कहूँ बड़े भैया? बोल। कह रहा था अभी चूल्हा चौका मुझसे होता नहीं तो फिर? इसलिए कह रहा था घर जरा घर की तरह लगे, सब चीज ठीक ठाक रहे। घर में एक औरत का आना बहुत जरूरी है। तो मुझे क्या करना होगा? करना क्या होगा, तुम उस लड़की से शादी कर लो ना। अच्छा तुम मेरी शादी की बात कर रहा था? इसलिए कि तुझे खाना नहीं बनाना पड़े, चूल्हा नहीं फूकना पड़े, बर्तन नहीं मांजना पड़े। गढ़ा उल्लू, शीशे में एक दमड़ी नहीं और बड़े भाई की शादी कराने चला है। तो तुम शादी नहीं करोगे? नहीं, घर में एक औरत नहीं आएगी। नहीं आएगी तो मैं जन्म भर तुम्हारा चूल्हा चौका करता रहूंगा। अरे तुझे आता ही क्या है, कुछ पढ़ा लिखा भी है? छुटपन भर तो गिल्ली डंडा खेलता रहा, गढ़ा कहीं का। समझ गया, खाक समझ गया। माँ मुझे तुम्हारे हाथों सौंप गई थी चूल्हा फूकने को, बर्तन मांजने को। भाई थोड़े ही हो, दुश्मन हो दुश्मन। मैं तेरा दुश्मन हूं? तो रोने लगा? रो कहाँ रहा हूँ, पड़ गया आंखों में। इधर देख, तू नाराज हो गया? अब हंस दे। ऐसे कैसे हंसू? ऐसे हंस, हंस ना। चला। मुझे सर खपा के क्या लेना है,
चूल्हा चौका करने आया हूँ वही करूंगा। भाई थोड़ी है मेरा, दुश्मन है दुश्मन। लो कर दिया रास्ता बंद। लाज साहब बना इधर उधर घूमता फिरता है, न नौकरी न चाकरी, न जाने कब आकर निकलेगा मेरा दुश्मन कहीं का। ये सुबह सुबह किसे कोस रहे हो? हाँ? कुछ जल गया? जलने दो। अरे चावल लग गए। लगने दो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं समझी। मैं बहुत बड़ा रसोईया हूँ, पक्का रसोईया, बड़ी आई थी। अरे तुम्हारा तो नहीं? देखो तो ना, ये लगा दूं आराम आ जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं, छोटा पुराना कपड़ा है। नहीं भगवान, अब क्या होगा, खाना कौन बनाएगा? अरे मेरी धोती फट डाली, अब मैं पहनूंगा क्या? अपने साहब भैया से कहना नई धोती ला देंगे। लो। अरे कैसी लड़की है, अरे बात तो सुनो। छोड़ मैं दूंगा, अगर किसी ने देख लिया और इस बात को लेकर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं हंगामा कर बैठूंगा। मुझसे किसी की बात नहीं सही जाती। तुम जाओ यहां से। धक तेरी की, ये पट्टी अट्टी भी मुझसे नहीं बनती। चूल्हा फूकू महाराज से पट्टी वट्टी नहीं बंधेगी। लो मैं बांधे देती हूं। मैंने भैया से कितनी बार कहा? किस बारे में? तुमसे शादी करने को। धत? अरे धत क्या, मेरा भैया को ऐसा वैसा समझती हो? एमए बीए पास है। हाँ। एक बार शादी हो जाए फिर देखना। माधो मर गए। तो किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं। फिर वो लड़के आई थी गजन, मैं तुझे इस तरह से। तुम उससे बात मत करो बड़े भैया। तुम नाराज किस पर हो रहा है? क्या हुआ तूने, हाथ जला? हाँ अच्छा किया। हाँ मुझे कैसे हुआ? हंडिया उलट गई। अच्छा अच्छा, तुझे हाथ जलाने की जरूरत नहीं, एक पकाने वाले ले आऊंगा समझा। उस लड़की की शादी मैं तेरे साथ करवा दूंगा, बस मेरे साथ समझा। एक तो मैं अपनी आग में जला जा रहा हूँ और तुम भाई थोड़े ही हो, दुश्मन हो दुश्मन। मैं तेरा दुश्मन हूँ? हाँ। अच्छा अच्छी बात है, मैं अलग रहूंगा, अकेला रहूंगा, मुझे परवाह किसकी है, मुझे नौकरी मिल गई समझा। सच नौकरी मिल गई बड़े भैया? नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई बड़े भैया। तुम्हारा है? अच्छा, नहीं छोड़ूंगा बड़े भैया, अब कैसे छोड़ सकता हूँ, शादी करा बिना नहीं छोड़ूंगा। देखो बड़े भैया, अगर तुमने शादी नहीं की ना तो मैं कहीं चला जाऊंगा। तुझे कहीं चले जाने की जरूरत नहीं, मैं शादी कर लूंगा बस। बड़े भैया उसी लड़की से? अच्छा उसी लड़की से। कहाँ जा रहे हो? उन सबको खुशखबरी दिया हूँ। पांडे पांडे, ओ पांडे, अरे आओ भी। पांडे पांडे, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कहाँ बैठो बैठो, ए पंडित उठाओ ये सब, उठाओ ये सब। जब देखो शह मात लाओ, कैदर लाओ। अब सुनो मेरी बात। सुनाओ। मैं पूछता हूँ, लड़की तो भगवान के दया से बूढ़ी होने को आ गई। क्या बोले? अरे मेरा मतलब है उसकी शादी वादी करनी है या नहीं? शादी? हाँ शादी। दो ही दिन तुमसे हंस के बोल कानी आके पटाख से शादी करने को तैयार हो? अरे मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा तो तुम्हारे घर के। पंडित कमला। ओ पंडित क्या कहा था? ए कमला, ग्वाले की खोपड़ी में गोबर भरा है। फिर ग्वाला? अरे ग्वाला नहीं तो और क्या कहूँ पांडे। अरे मेरे साथ नहीं, मैंने तुम्हारी लड़की के लिए लड़का देखा है। लड़का? लड़का। अच्छा? एम ए बी ए पास, अच्छी नौकरी, मोटी आमदनी और देखने में हाय 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 हाय, एकदम राजकुमार। अरे कौन है वो? बताओ बताओ भला कौन है वो? पांडे बताओ ना। तुम्हारे बड़े भैया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। भैया उन्होंने तुम्हारे साथ दिल लगी किया है। दिल लगी? देखो पांडे, भाइयों में दिल लगी तुम्हारे खानदान में चलती होगी, हमारे यहाँ नहीं है समझे। अच्छा ये तो बताओ, खर्चा वर्चा कर सकोगे? अरे खा पी के ढेला बचता नहीं, खर्चा कर सकते। देखा पंडित है? अरे जन्म भर तो पानी में दूध मिलाते रहे और कहते ढेला नहीं है। पंडित जल्दी से खर्च पत्रा निकालो, मैं आज ही मुहूर्त घड़ी और दिन ठीक करने आया हूँ। चलो। हाँ हाँ आज ही। हाँ हाँ शुभ शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। जरा अच्छा सा दिन देखो, 3 और 7 10 और 10 20। देखो पंडित, हाँ पांडे के पास जब सचमुची रुपए नहीं है तो खर्चा जरा हाथ रोक कर करना होगा, समझे कि नहीं है? अच्छा तो फूल कितने के लिखे? 4 पैसे। क्या? 4 पैसे। 4 पैसे? अरे 4 पैसे के फूल में तो तुम्हारा और पांडे दोनों का श्राद्ध हो जाए।
कुल दो पैसे के लिखो। दो पैसे? दो पैसे लिखो। दो पैसे। अच्छा भोजन सामग्री? लिख तो लिया, सिर भर आटा पाव भर घी। तुम खाओगे, मैं खाऊंगा, पांडे खाएगा और दूल्हा दुल्हन खाएंगे, और किसी को नहीं बुलाऊंगा। हाँ देख तो रहे हो पांडे की हालत। परंतु इष्ट मित्रों को निमंत्रण तो... अरे ओ पंडित, तुम तो बस अभी से खाओ खाओ करके मरे जा रहे हो। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा पंडित। उठो उठो, दूसरा पंडित बुलाना। उठो यहां से। जरा ठहर पंडित। एक काम करो, कुल कितना हुआ ही बताओ। 127 रुपए 15 आने। ठहरो पांडे, तुम्हारे पास कितने हैं? भैया जोड़े बटोरे अपने पास 100 रुपया। बस सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं जाकर कपड़ा रत्ता खरीदता हूँ। और पंडित तुम्हारी दक्षिणा सिर्फ 4 आने। बात मत करो, बात मत करो। 4 आना नहीं, एक आना। अच्छा 5 आना, लेकिन 5.25 आना नहीं। तुमने जिस तरह भी इसे पेट फुलाना शुरू कर दिया है, मुझे डर है कहीं बंटा धार ना हो जाए। निकालो पैसे पांडे, निकालो। तो भैया अभी तो 10 रुपया ले जाओ। 10 रुपया? अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूंगा, घबराओ नहीं। मैं कपड़ा लत्ता खरीद कर लाता हूँ, घबराना नहीं पांडे। गोरा बदन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा कहानी, राजा प्रीत कहानी। नाज न जानू मैं तो गलियों की रानी, मुझसे न कहियो राजा प्रीत कहानी, राजा प्रीत कहानी। मुझसे न कहियो राजा प्रीत कहानी। भोला सा मन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा दिखाना छेला सोने की डलिया, ना सोने की डलिया। सेज सुनहरे ना मैं मांगू जी कलिया, मुझको दिखाना छेला सोने की डलिया, ना सोने की डलिया। मुझको दिखाना छेला सोने की डलिया। रूप है धन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा उमरिया बानी, मैं तो गेंद की डाली, मुँह पे तिरछी नजरिया, ना डालो मोरे बाल माँ। गोरा बदन मोरा। अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा। अच्छा चंपा, तू तो बहुत अच्छा नाचती रे। हाँ। कल मेरे यहाँ नाचने आना है, तुझे शहनाई बजानी आती? आती क्यों नहीं। हाँ तो कल शहनाई बजेगी। मगर कहाँ, किसकी शादी है? अरे और किसकी, मेरे बड़े भैया की शादी है। मगर कहाँ देगी छोटे बाबू? अरे वो महेश पांडे है ना। हाँ। उसकी लड़की कमला ग्वालन से। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ग्वालन नहीं कहूंगा, अब तो वो मेरी भाभी बनने वाली है। छोटे, अरे हाँ हाँ, पेट भर के खिलाऊंगा जब तो मैं भी आऊंगा। हाँ, 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 हाँ,
सबाना सबाना, खूब खाना खूब पीना खूब गाना और खूब बजाना, मेरे भैया की शादी शादी रे बाबूजी। देखा पांडे, शादी की कैसी धूमधाम है। अरे मुंह खुला के क्यों बैठे हो, हुआ क्या? हुआ मेरा सिर। तुम तो कह रहे थे ना कि शेर भर आटा और पाव भर घी में सब हो जाएगा और सारे मोहल्ले को न्योता दे आज खिलाएगा। तुम खिलाओगे? शादी तुम्हारी बेटी की है ना। हंसो मत माधो, जी जल रहा है। हंसू नहीं, मेरे भैया की शादी में रोऊं? अरे रो तुम, रुपया नहीं पैसा नहीं तो ये सब आया कैसे? ये सब आया कैसे? अरे उधार लेके आ रहा हूँ उधार। ठीक है तो चुका देना। चुका देना, मगर कहाँ से चुका देना? पानी में दूध मिला के ग्वाले होना। देखो देखो ग्वाले ग्वाला फिर नहीं, मैं इस शादी वादी सब बंद करा दूंगा। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी शादी नहीं मानो। पांडे गाना शुरू हो गया, तुम संभालो मैं तो चला। मेरे भैया की शादी लागी रे ओ पांडे जी, मेरी भैया की शादी। घर की रौनक है घरवाली। हो हो हो, एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घरवाली, घर की रौनक है घरवाली। एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घरवाली। एक कंवारे का घर देखा, देख के आया रोना। तरस रहा था एक औरत के जात को कोना कोना। अरे उल्टा पड़ा हुआ था लोटा और खड़ी थी थाली। घर की रौनक है घरवाली, घर की रौनक है घरवाली। एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घरवाली। शादी लाख गुनों की दादी, उजड़ा नगर बसाए। बोल तू बोल। शादी लाख गुनों की दादी, उजड़ा नगर बसाए। शादी करने वाला यारो बड़े बड़े फल पाए, यारो बड़े बड़े फल पाए। बीबी के संग मिले मुफ्त में, ससुरा सासू साली। घर की रौनक है घरवाली, घर की रौनक है घरवाली। एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घरवाली। आज हिमालय की चोटी से हमने है ललकारा, शादी का बाजार है चालू, रहे न कोई कवारा, रहे न कोई कवारा। अपनी अपनी ढूंढ लो बीवी, अपनी अपनी ढूंढ लो बीवी, गोरी हो या काली। घर की रौनक है घरवाली, घर की रौनक है घरवाली। एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घरवाली, घर की रौनक है घरवाली। पंडित चलो। अश्व चक्रम चक्रम चक्रम। भाई माधो, मैं तो पराजित हो गया। फिर से कोशिश करो पंडित, अब तो मुझे पूरी छुट्टी मिल गई है। अरे छुट्टी यो नहीं मिलती माधो। क्यों नहीं मिलती? तुम देख लेना पंडित, मेरा जिधर जी चाहेगा चला जाऊंगा। बड़े भैया की शादी हो गई, चूल्हा चौका करने वाली भी आ गई, आराम से मियां बीवी खाए पिए मौज करे।
मैं न हो बीच में कभी कभी आकर देख जाया करूंगा। कहीं जाने का विचार है माधो? और क्या पंडित, अरे जिंदगी में रहकर कुछ करना भी तो है कि नहीं। तो फिर मेरे साथ धनबाद क्यों नहीं चलते? धनबाद? हाँ, वहाँ मेरा छोटा भाई कोयले की खान में काम करता है। अच्छा, मैं भी वहीं जा बसने का विचार करता हूँ माधो। यहाँ तो पाठशाला चलती नहीं। पंडित, मेरा छोटा मोटा काम लगवा दोगे वहाँ? मैं तो पढ़ने लिखने में एकदम महापंडित हूँ ना। अवश्य अवश्य, फिर भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा माधो, तो चलोगे ना? अरे क्यों नहीं चलूंगा, काम लगेगा तो जरूर चलूंगा। हाथ पैरों में ताकत है, मेहनत मजूरी कर सकता हूँ। रही बात पंडित, बात पक्की? पक्की, बिल्कुल पक्की। तो फिर कब चलोगे? परसों प्रस्थान करेंगे। अच्छा अच्छा, मुनादी वाले क्यों ढोल पीट रहे? देखो तो माधो, जनाबे वाला क्या कहता है मुनादी वाला? बाहुक हेल्थ ऑफिसर साहब, शहर के हर बाशिंदे को तब तासीद की जाती है कि वो जिससे की फैलती हुई महामारी से बचने के लिए वो जल्द से जल्द टीका लगवा ले। चेचक? पंडित, शहर में चेचक फैल रही है। ये तो बड़े भय की बात है माधो, तो टीका लगवाना चाहिए ना? अवश्य अवश्य। तो अच्छा, तो मैं भी आता हूँ। भाभी, भाभी सुना तुमने, शहर में चेचक फैल रही है, जल्दी से टीका लगवा लो। टीका लगवा के क्या होगा? अरे तो क्या मरने की ठानी है? अच्छा ही तो है, भगवाने की बहू मरती है, अपने भैया की दूसरी शादी करवा देना। देखो फजूल की बातें मत करो, जल्दी से चलकर टीका लगवा लो। तुम ही जाके लगवाओ ना। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। मेरे कहने पर भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हालत में टीका नहीं लगवाते। अरे इसमें हालत वालत की क्या बात है, शहर में चेचक फैलने से टीका लगवाना ही चाहिए। लाला जी, तुम बड़े भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्या नहीं समझता? अपने भैया से जाके पूछो। भैया से? अरे भैया से क्या पूछूं? चलो ना भाभी। मैं नहीं जाऊंगी। बाप रे बाप, पंडित ने ठीक ही कहा था, औरतों के सामने आदमी तो क्या देवता भी हार मान जाते हैं। पांडे, वो पांडे, शहर में चेचक खेल रही है, सब टीका लगवा रहे हैं, तुमने टीका लगवाया? टीका? अरे अब मैं बुढ़ोती में क्या टीका उका लगाऊंगा मधु भैया? अरे तुम तो मरने को बैठे हो, मगर तुम्हारी बेटी को ना बोलती है। इससे आदमी हो तुम, उसकी हालत टीका लगवाने लायक है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं तो? अरे उसके बाल बच्चा होने वाला है ना। क्या कहा पांडे? अब तुम चाचा बनने वाले हो। सच पांडे? नहीं तो क्या झूठ? सच पांडे? हाँ भाई, मैं चाचा बनूंगा। हाँ सच पांडे, हाँ मैं चाचा बनूंगा, मैं चाचा बनूंगा, मैं चाचा बनूंगा। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, अरे ओ भाभी, ओ भाभी, अरे ओ भाभी। क्या बात है लाला जी? क्या बात है? मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी? एक बात सुनी है। क्या बात है? अरे बड़े मजे की बात है। तो हमें भी बताओ। बताओ? हाँ? बताओ? हाँ? नहीं बताते लाला जी, बताओ ना। नहीं बताते? अच्छा नहीं बताते तो जाओ। तो मैं भी जाता हूँ लाला जी, बताओ ना। बताओ? हाँ? बताओ? हाँ? तुम्हारे? हाँ? तुम्हारे? हाँ? तुम्हारे मुन्ना होगा। माधो, ओ माधो, यात्रा का समय हो गया, अब प्रस्तुत हो। पंडित, अरे मैं तो तैयार हूँ पंडित, लेकिन बड़े भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? तुम नहीं जानते, वो मेरे बगैर एक दिन तो क्या एक मिनट भी नहीं रह सकते, सारा काम मुझे करना पड़ता है ना। फिर भी माधो पूछ तो लो। तुम कहते हो तो पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ पंडित, वो मुझे नहीं जाने देंगे। देखो तुम, क्या रहा माधु? कुछ नहीं। बोलना क्या? पंडित और उसका भाई आए हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे धनबाद ले जाने को कहते हैं। धनबाद क्यों? कहते हैं मेरी नौकरी लगवा देंगे। तू नौकरी करेगा? हाँ। इसलिए जाना चाहता है? हाँ।
अच्छा तो जा जाऊं बड़े भैया? जाना, नौकरी का मामला जरूर जाएगा। मगर तुम्हें कुछ तकलीफ वकलीफ नहीं होगी खाने पीने के? तीन चार दिन तकलीफ होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर जा। जाऊं? जा। सचमुच जाऊं बड़े भैया? मैं कह तो रहा हूं जाना। जाता हूं, जाऊंगा नहीं तो क्या पड़ा रहूंगा, जिंदगी भर यही पड़ा रहूंगा। अरे अरे, कहां जा रहे हो लाला जी? पंडित के साथ बात। क्यों? नौकरी नहीं करनी है क्या? बेकार बैठे रहने से फायदा? तुम फिक्र मत करना भाभी, नौकरी लगती मैं तुम्हें खबर दे दूंगा। मगर क्या तुम सचमुच जा रहे हो लाला जी? और नहीं तो क्या, दुश्मन कहीं का? एक बार मुंह से कहा तक नहीं कि मज्जा माधव, फिर भला मैं कैसे जा सकता था? रहन दो रहन दो, मैं सच कहता हूँ भाभी, वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन, पिछले जन्म का दुश्मन। मैंने कहा लाला जी जा रहे हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकता, मैं तो उसको दुश्मन ठहरा। ये क्या कह रहे हो? ओ पांडे, मैं जानता हूँ कमला, वो मुझे छोड़कर कहीं रह नहीं सकता। देखो अभी वापस आता है। जाने फिर कब दर्शन मेला हो? जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बड़े आराम से रहूंगा, मर गया तो कोई ना कोई मुंह में पानी डाल ही देगा। अरे पांडे, कब तक सोते रहोगे? अरे अभी तक चादर ताने सोए हो, उठो उठो पांडे। उठा नहीं जाता है भैया। पांडे, चेचक, चेचक, पंडित मैं नहीं जाऊंगा, पांडे को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अच्छा माधो, रेल का समय हो गया, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। अरे बाप रे चेचक, थोड़ा पानी पिला दोगे भैया? पानी? हाँ। अच्छा ठहरो पांडे। ठहरो भाभी, पांडे को चेचक हुई है, छूत की बीमारी, आगे मत बढ़ना। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या है? अरे मेरा क्या है, तकदीर में दुख भोगना लिखा तो कौन डाल सकता है? लो पियो और मरो। लाला जी, ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ, तुम्हें तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे बाप को कह रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। बिटिया कमला, पांडे ज्यादा प्यार मत दिखाओ, ज्यादा प्यार मत दिखाओ, मरने चले और बापू। तुम जाओ ना यहाँ से भाभी। मैं बापू को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, इनकी देखभाल के लिए मैं अकेला काफी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लाला जी, तुम आदमी हो या? अरे हाँ हाँ, मैं जानवर हूँ, जानवर पत्थर हूँ, मगर तुम यहाँ से जाओ, जाओ। बापू, 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 कहा था कि टीका लगवा लो, मगर कहने लगे नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। मरो मरो माधो भैया। पांडे, अब मैं नहीं बचूंगा, काम तो सब अपना खत्म कर ही चुके, दुनिया भी काफी देख ली, अब भी जीने की चाह है पांडे? मैं देखूंगा नहीं, अब और क्या देखना बाकी है? कमला को बाल बच्चा होने वो जब होगा होगा, मेरा भतीजा होगा, उसको पाल पोस कर बड़ा करने का जिम्मा मेरा है, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी पांडे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माधो भैया, अब और मत सताओ पांडे, तुम जाओ, तुम जाओ। बहुत तकलीफ हो रही है माधो भैया, बहुत तकलीफ हो रही है। अस्पताल जाओगे? नहीं भैया, अस्पताल नहीं भेजा मुझे, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। कुछ रुपए पैसे हैं? लाओ इलाज करवा देखूं। कौड़ी नहीं है भैया अपने पास। तो फिर मैं खाली हाथ क्या कर सकता हूँ? मेरे बस में क्या है पांडे, मेरे बस में क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता पांडे, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। चला जा रहा हूँ भैया, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे बचा लो माधव भैया, बचा लो भैया, बचा लो। मेरे बस में जो कुछ था पांडे मैं कर चुका, अब इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बचा लो भैया, बचा लो, बचा लो भैया, बचा लो, बचा लो, बचा लो। बड़े भैया,
कुछ रुपए है तुम्हारे पास? रुपए क्या करेगा? पांडे बेचारा बड़ी तकलीफ आ रहा है, उसका इलाज करवा देता। अरे नहीं है तो साफ कह दो ना, देखता हूँ बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। अरे कहाँ नौकरी, दो महीने से तो नौकरी नहीं है। नौकरी छूट गई बड़े भैया, तुमने तो मुझे बताया नहीं। तुझे क्या बताता, यहाँ इतने दिनों तक बैठा हूँ देखता नहीं है। लेकिन मैं पांडे को कैसे बचाऊं? ज्यादा नहीं मिली, सिर्फ पांच रुपए। हाँ पांच रुपए, दो रुपए और दे दो ना। कह तो दिया चोरी का माल है। चोरी का माल? हाँ हाँ चोरी का माल है, बेचना बेचना तो अपनी गाय वापिस ले जाओ। अच्छा अच्छा जल्दी दो भैया, जल्दी करो ना। लो पहले ही हो गए, ले जाने का बंदोबस्त कर। कुछ रुपए पैसे है तेरे पास? जलाने के पैसे तो नहीं जुटा सका बड़े भैया, जलाने के पैसे ले आया हूं। चिल्ला खूब जोर से चिल्ला, धत तेरे की, बच्ची सवेरे से दूध पीने को रो रही है और डांट खाता कोई पता ही नहीं। जी चाहता है इस घर को झाड़ू मार के कहीं चला जाऊं, अब मुझसे नहीं सहा जाता। किसे झाड़ू मार रहे हो छोटे बाबू? अपनी तकदीर को। सच कहता हूँ चंपा, तू देख लेना, मैं एक दिन इस घर को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। चले जाओगे? हाँ हाँ, मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता। कब चलोगे बोलो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी? अरे तू क्यों मेरे साथ चलेगी? मर्द की देखभाल करने के लिए औरत की जरूरत जो पड़ती है। बढ़िया ही देखभाल करने वाली, अरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं किसी पेड़ के नीचे पड़े रहना पड़े। मैं भी रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। नाच कूद कर रोटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगी, दोनों साथ साथ रहेंगे। क्या साथ रहेंगे? हाँ चलो ना। समझ गया। क्या समझे? यही कि तेरा भेजा खराब हो गया है। अरे नहीं रे, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। अरे धत तेरी की, एक तो मैं अपनी आग में जला जा रहा हूँ और तू ऊपर चाहिए घी चढ़कने। अरे मैं इस घर को छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा, भाग यहाँ से। बच्ची सवेरे से दूध पीने को रो रही है, लाट साहब आएंगे पैसा देंगे और तब दूध आएगा। पैसा नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया? लो जाओ दूध लिया। चंपा आज तेरे आगे भी हाथ पसारना होगा। इसमें हर्जी क्या है? वो तू नहीं समझेगी। अच्छा मैं जल्दी दे कुकी खेला। बधाई दे दो। बधाई? काहे के बधाई? आप क्या लड़की हुई है? लड़की हुई है।
अरे बाबूजी हमारी बजाय दिलवा दो। ओ, ओ तो मुझसे बोल, ये लोग तो पैसे मांग रहे हैं। बड़े भैया इतने रुपए और मेरी बधाई। ले चंपा एक रुपया। एक रुपया? बड़े भैया इतने रुपए कहाँ से लाए? तुझे क्या नौकरी लग गई ना? हाँ अरे नौकरी लग गई। अब मैं तो पहले ही समझ गया तुम्हारी नौकरी लग गई। अरे सुन मैं सोच रहा हूँ कि अब इस बस्ती को छोड़ दें। क्यों बड़े भैया? अरे अच्छी नौकरी मिली है तो अच्छी जगह भी रहना चाहिए। हाँ ये बात है। तो एक काम कर, हाँ। ये 50 रुपए मुझसे ले और एक अच्छी जगह ढूंढ ले जा। चार दूध पिएगी भाभी? बच्ची को दूध पिलाने का वक्त हो गया। आती हूँ। मुन्नी दूध पिएगी, मुन्नी दूध पिएगी, मुन्नी मुन्नी। ओहो कहाँ से कहाँ आ गए। बाप रे बाप, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा नाक में दम आ जाता है। अरे अभी क्या है, जब 5 मंजिला मकान उतरना चढ़ना होगा तब पता चलेगा। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? अरे यही कि बड़े भैया की अच्छी नौकरी लगेगी, तरक्की होगी। हो गया ना सब कुछ? झोपड़े से यहाँ क्या है, बस लाट साहब बन गए। लाओ। अरे भाभी ऐसा ही होता है, तुम नहीं समझोगी। बस देखती जाओ, घर में नौकर चाकरों की भीड़ लग जाएगी। तुम्हारे मजे है, पलंग पर बैठी बैठी हुकुम चलाया करना। अच्छा अच्छा जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अरे आएगा क्या, आने वाला है। हाँ मैं कहता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे इस तरह मत घूमो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना 4 दिन बाद आके पैसे ले जाना, जा तुम। वो झूठे, बिल्कुल झूठे। अब हम तुम्हारा एक नहीं सुनेगा, हमको अपना रुपया मांगता है। तुम चोरी से मकान बदली करते, हमको बोलता नहीं है। हाँ देखो तुमने सिर्फ 75 रुपए तो दिए, इतने शोर को मचा रहे हो, मेरा भाई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओखो सुन लेगा तो हम क्या करेगा, हमको अपना रुपया मांगता है, इज्जत तुम्हारा जाएगा। कोर्ट छोड़ दो, फिर 4 दिन बाद आके रुपये ले जाना। तू क्या कर रहा, चल 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 अंदर चल। बड़े भैया यही तुम्हारी नौकरी है? अरे मैं बजा चुप रहो। सेठ तुम इसकी बात का यकीन मत करना। अरे 4 दिन बाद ये रुपए कहाँ से देगा? सुन तो, झूठ बोलता है सेठ। बोले हम जानते हैं ये बेमान है, नमक हराम है। समाज से बात करो, गाली मत देना। वो देगा, हम बेमान बोलेगा। खबरदार गाली मत देना मैं कहता हूँ। तुम क्या करेगा, गाली देगा तो हमको मारेगा। अरे तुम गाली देगा तो मारेगा? तो मारो, तुम गाली दो हम देगा, 1000 बार देना। ये बेमान है, शैतान है। बेमान तू, शैतान तू। तेरी खान की तो चिट्ठी बनाऊं, तेरी तो लोग जमा हो रहे। तेरा दिमाग खराब हो गया ना, मारूंगा था चाटा। क्यों ऐसा किया तूने? ठीक किया, चुप रहे। देख उस पठान से मैंने रुपए उधार लिए हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। और उधार लो, जब वो 20 सड़क पर तुम्हें डंडे से मारेगा तब मेरी छाती ठंडी होगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला बड़े भैया? तो क्या करता, कोशिश के बावजूद जब नौकरी नहीं मिली तो? अरे बीवी है, बच्ची है। हाँ तो क्या हुआ? तूने मेरी शादी करवाई, याद रख। अच्छा अच्छा जो हो गया सो हो गया, खाक हो गया। मैंने तुझसे पहले कहा था मत करवा। वो दफ्तर के बाबू है ना, वो तुमसे जलते हैं। क्यों? अरे तुम MBA पास हो, तुम्हारे जैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तुम फिक्र मत करो बड़े भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। ओ बड़े भैया क्या तुम तो उदास हो गए? तो क्या करूं? हंसो। क्या हंसो? अरे हंसो ना, चल हंसो हंसो। गुदगुद मत दे मुझे। अरे हंसो, अरे हंसो, अरे हंसो, अरे हंसो। Thank you.
कौन? उस पठान को। मैं समझी। हरिराम जी। जी हरिराम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो जाइए ना ऊपर। ऊपर? हाँ पिताजी ऊपर हैं। पिताजी ऊपर? साहब को ऊपर ले जाओ। जी चलिए ना, मालिक तो ऊपर। जी मालिक से तो मुझे, ओ आपके पिताजी ऊपर हैं। चलिए। पिताजी ऊपर हैं, मैं सीढ़ियां अजीब सी हैं, मैंने ऐसी सीढ़ी कभी देखी नहीं है। मालिक। कौन कौन है? जी मैं हरिराम। हरिराम, हजार बार समझाया है कि आवाज देकर अंदर आकर। ये कौन? जी मैं समझ गया। जी समझ गया। आओ, अखबार में इश्तेहार देना भी एक मुसीबत है, सवेरे से आदमियों का तांता लग गया। बैठो। ए हरिराम। जी। एक कितनी बार तुझे समझाया है कि जब बाहर से कोई आया करे तो मेरे सिरहाने खड़ा रहा कर। जी खड़ा तो हूँ। हाँ तो इस तरह खड़ा रहे। हाँ जी, तुम्हारा नाम? जी शंकर मिश्रा। शंकर मिश्रा, शंकर मिश्रा, तुम ब्राह्मण हो? मैं भी ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी बड़े नामी ग्रामी आदमी थे, राय बहादुर दीप नारायण, नाम तो तुमने सुना ही होगा। तेरे की इतने कागजों में मैं तुम्हारा नाम कहाँ ढूंढू। खैर मैं लिखे लेता हूं, शंकर मिश्रा। तुम्हारा पता? जी घर का पता। हाँ घर का पता। अरे घर का पता तो नहीं जरूरी है, कोई ऐसा ऐसा काम थोड़ा ही है, मैनेजर की जगह है। मैनेजर की? मैनेजर की जगह तो क्या तुमने अखबार में नहीं पढ़ा? जी नहीं। जी हाँ मैनेजर की जगह लिख लीजिए, 5 नंबर केला बगान लेन। 5 नंबर केला बगान लेन, ठीक है। अब सुनो, मेरी जिम्मेदारी है पुरंदरपुर में, उसकी देखभाल के लिए मुझे एक तेज तर्रार मैनेजर की जरूरत है, बहुत ही तगड़ा आदमी होना चाहिए। कर सकोगे? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं कर सकूंगा। खून खराबी कर सकोगे? खून खराबी? हाँ, लाठी दंगा फसाद गोली जैसे भी हो अपना काम निकालना पड़ेगा। जी जैसे भी अपना काम निकाल लूंगा। घर जला सकोगे? जी क्यों नहीं जला सकूंगा। हाँ अच्छा, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम कर गुजरोगे, आदमी जवान हो। तनख्वाह 150 रुपया। 150? अच्छा 200 दे दूंगा। 200? 250 से 1 पैसा ज्यादा ना दूंगा। जी चला लूंगा किसी तरह। अच्छा फिर आप सुनो, बटुक चौबे नाम का एक बदमाश है गांव में, उसे दुरुस्त करना है, उसे चाबुक मारने होंगे मेरे सामने। मार सकोगे चाबुक? जी बिला वजह चाबुक। बिला वजह? कभी गांव देखा है तुमने? जी हाँ देखा है। किताबों में पढ़ा है या सिनेमा में देखा है? जी अपनी आंखों से देखा है। तो फिर बटुक जैसे आदमी में तुमने जरूर देखे होंगे, ऊपर से देखने में सीधा साधा मगर दिल में कालिया नाक पलता है, कमबख्त के मारे गांव में रहना मुहाल है। मेरा अपना घर अपना गांव, मैं नहीं रह सकता। जानते हो क्या कहता है? मेरी इकलौती बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कराकर मेरी सारी जायदाद हड़प लेगा। ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात। हरिराम इधर आ। नहीं हरिराम इस वक्त नहीं जा सकता। हाँ तुम्हें कह रहा था कि इस तरीके के बहुत सारे काम तुम्हें करने होंगे। जी मैं करूंगा। डरने से काम नहीं चलेगा। जी मैं किसी से नहीं डरता। बिल्कुल ठीक। नीचे एक काबली वाला खड़ा है। काबली वाला? अरे कौन काबली वाला? अब भगा दो उसे। ए हरिराम भगा दो उसे। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल भगा दीजिए, उसकी क्या जरूरत है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं आग लगा सकता हूँ, घर जला सकता हूँ, खून कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप मेरा पता नाम लिख लीजिए। अच्छा लिखता हूँ। मगर अभी तो लिखा है तुम्हारा नाम। जी फिर से लिख लीजिए, मेरा नाम शंकर मिश्रा, 5 नंबर कला बगान लेन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक बाबू अंदर गया है, उसके लिए कड़ा है। क्या है? वो बाबू को मिलने का है। देखो वो बाबू अभी नीचे नहीं आएंगे,
तुम उनके घर पे जाओ और वहीं इंतजार करो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मेल खड़ा रहेगा, हम उसको मिल के जाएगा जरूर। खान, तुम जाओ इधर से, हमारे दरवाजे पर मत खड़े। वो ठीक है, ये तुम्हारा दरवाजा है, उधर तो तुम्हारा दरवाजा नहीं है। हाँ, हम उधर खड़ा रहेगा, देखेगा, मिल के जाएगा। होगा पुरंदरपुर यहाँ से बस, तो फिर ये तय रहा कि तुम चल रहे हो हमारे साथ। जी हाँ जरूर। ओह माला, ये मेरी बेटी माला है। माला, मैंने इस आदमी को पक्का कर लिया है, ये लाठी चला सकता है, खून खराबी कला फसाद कर सकता है, दो दिन में बटुक के होश ठिकाने ला देगा। जी आप देखिए, इसे मैं दो दिन में चौबे का छब्बा बना दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर तुम कल आकर पता कर जाना कि हमें कब चलना है। अच्छी बात है। नमस्ते भाई। वाह क्या जवान है। इतने दिनों बाद एक सही आदमी मिला है मुझे। आखिर आप ये क्या करते हैं पिताजी? तीन आदमियों से एक ही वादा, और तीनों को कल बुलाया है। अरे बुलाया है तो क्या हुआ, क्या तीनों को रखना ही पड़ेगा? रखना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो आएंगे तो क्या जवाब देंगे? हाँ, क्या जवाब दूंगा? जो जी में आएगी। रूठ कर चल दिया। अरे सुन तो। क्या सुन? उनसे कह देना कि आदमी हमने रख लिया है। आदमी हमने रख लिया, कल वो आएंगे तो आप ही कह दीजिएगा, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बड़े झमेले की बात है, देख तो सही किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, अब क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ? तू क्या करे, एक काम कर, अभी अभी जो आया था ना उसी को बुला। क्या नाम है उसका? महादेव। महादेव नहीं पिताजी, शंकर। ओ हाँ शंकर, शंकर मेरी डायरी में लिखा है, तू उसी शंकर को बुला। शंकर, हाँ शंकर, शंकर 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 मिश्रा, 5 नंबर केला बगान, शंकर। अरे आप अभी तक यहाँ हैं? जी जी मैं अभी जाने वाला था, लेकिन जा नहीं सके। आप हंस क्यों नहीं? आप तो कहते थे कि आप किसी से डरते नहीं। जी मैं किसी से डरता तो ही नहीं। वो पठान? सिर्फ उसी पठान से डरता हूँ। बात यह है, मैंने उससे कुछ रुपए उधार लिए हैं, आप तो समझती हैं वो लोग। ओ जी। सुनिए जी, आपको पिताजी ने ऊपर बुलाया है। ओह अच्छा अच्छा, मैंने कहा था ना आपसे कितनी अजीब सीढ़ियां हैं, खुली खुली, न जाने किसने बनाई। सुनो बाबू से तुमने कितने रुपए लेने हैं? 75 रुपया बस। अच्छा ठहरो, मैं भी लाती हूँ। जी एक बार घर हुआ तो कोई हर्ज नहीं। नहीं 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 नहीं, घर जाकर तुम्हारी राय बदल सकती है। ये बात नहीं, लेकिन घर में खबर देना जरूरी है। हाँ नौकर जाकर खबर दिया आएगा, 10-15 दिन की तो बात है, वापस आ जाएंगे। माला तुम सामान वगैरह सब बांध दो, आज शाम की गाड़ी से हम लोग पुरंदरपुर चलेंगे, और ये भोलानाथ भी हमारे साथ जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ भोलानाथ, तुमसे। जी मेरा नाम शंकर है। ओ शंकर, शंकर मेरी डायरी में लिखा है। वो चला गया, अब आप घर जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कौन चला गया कौन जाएगा, ये तो हमारे साथ जा रहा है। लेकिन पिताजी आपने तो कहा था कि 3-4। बेटा वो 3-4 दिन बाद नहीं चलेगा, कल सुबेरे वो जो 3-4 आदमी आएंगे तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा। तुम आज ही सब सामान बांध लो, फिर ये महादेव विराजी हो गया है। क्यों महादेव? मेरा नाम भोलानाथ। भोलानाथ? मेरा नाम शंकर मिश्रा जी। ओ हाँ हाँ हाँ, शंकर मिश्रा, मेरी डायरी में लिखा है, शंकर मिश्रा, 5 नंबर केला बगान ले। लाला जी कब तक राह देखते रहोगे, चलो खाना खा लो। बड़े भैया को आने दो, साथ ही खाएंगे। लो आ गए, जरा डांट देना बड़े भैया को। अच्छी आदमी होगी तुम। अरे लाला जी, लाला जी कौन हो तुम, बिना पूछे अंदर चले आ, कौन हो तुम? है हरिराम। हरिराम कौन? हरिराम, हरिराम आप माधो बाबू है ना? बाबू माधो बाबू, ये लीजिए आपकी चिट्ठी और ये 50 रुपए। 50 रुपए किसने दिए? जी वो है ना, वो साहब जैसे, क्या क्या नाम है उनका, कुछ एम ए बी ए पास, शंकर बाबू। शंकर भाभी, लगता है फिर किसी से उधार लिए। नहीं नहीं नहीं, उधार नहीं लिए, हमारी बीबी जी ने दिए। बीबी जी
कौन बीबी जी? हमारी बीबी जी, पढ़ के देखिए। ओ हाँ हाँ, क्या लिखा है, क्या घसीट कर लिखा है, एक अक्षर नहीं पढ़ा जाता। भाभी तुम पढ़ो तो। लाला जी मैं तो। ओ हाँ हाँ, तुम तो महापंडित हो। अच्छा तो मैं जाकर देखाता हूँ। ठीक है, चलो भैया। लाला जी हाँ। उस बीबी जी को जरूर देखना हाँ। मुझे ना जाने कैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भैया देखो तुम्हारी बीबी जी को। आप हैं बीबी जी? आप हैं बीबी जी? आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं ये जानना आया हूँ कि आप कौन हैं? वो चिट्ठी और 50 रुपए आपने क्यों भेजे थे? शंकर बाबू। बड़े भैया, बड़े भैया। गड़ा। क्या हुआ? अरे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है और तू सब गड़बड़ करने चला आया। नौकरी? चुप रहे, इन कपड़ों में आ गया है भाग। बड़े भैया चुप रहे, रुपए मिल गए? हाँ हाँ। चिट्ठी मिल गई? हाँ। चुप रहे, फिकर न कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चुप रहे भाग पगला। कौन है ये? जी मोहल्ले का पगला, मुझे बड़े भैया कहता है। ए दुराट, आप फिकर न कीजिए, चलिए भाग। दिनों बाद तुम्हारे दरबार में आया हूँ, इस बार चरणों में स्थान देना। और मेरे खानदानी दुश्मन बटुक, जिसके खातिर मुझे गांव छोड़ना पड़ा, उसका सत्यानाश करना। माँ सिर्फ यही विनती है तुमसे, सिर्फ यही विनती है। खैरियत तो है विनाश बाबू? जी हाँ बटुक, बटुक, बटुक। तो आप हैं बटुक चौबे? यहाँ मुझे ही लोग बटुक चौबे कहते हैं। लेकिन आप अविनाश बाबू, ये आपके साथ गबरू जवान कौन है? मैं इनका मैनेजर हूँ। मैनेजर? जी हाँ। मैं तो समझा था कि आप इनके जमाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा मतलब ये है कि अविनाश बाबू को मैनेजर की जरूरत थी नहीं, जमाई की जरूरत। समझा, आपको कई रोज से बुलवा रहा हूँ, आप आते क्यों नहीं? दरअसल ये है, त्योहार का दिन है, मेले ठेले चल रहे हैं। कोई बहाने नहीं सुनना चाहते। आज के मालूम होती है। हाँ, कल सुबह हमारे आ जाइए। सुबह 9 बजे? 9 बजे सुबह 9 बजे, याद रहेगा? जी हाँ बिल्कुल याद रहेगा। आप अविनाश बाबू के नए, भला मैं आपकी बात भूल सकता हूँ? आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अविनाश बाबू के मैनेजर न हो के जमाई हो। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते भाजी। उल्लू पिताजी, कमीना पिताजी। हाँ? मंदिर है। ओह हाँ, मंदिर। हे माँ, मेरी मनोकामना पूरी करना मैया। बहुत देर के बाद ख्याल है। जरा हिसाब मिला रहा था इसलिए मैं। आप हमेशा काम करते रहते हैं,
चलिए बाहर। बाहर मगर इतना काम पड़ा हुआ है। अगर मगर कुछ नहीं, चलिए। रात कितनी हसीन है। समय सुहाना है ना? जी हाँ, बेहद। और आप अंदर बैठकर काम कर रहे थे? मुझे तो ख्याल तक न था कि बाहर इतना हसीन मंजर होगा। आप रोज रात को देर तक। मगर आपने कैसे जाना? मेरे कमरे से आपका मेज दिखाई देता है। तो आप देखा करके नजर पड़ी। मैं काम करता रहता हूँ और आप रात जग कर मुझ पर नजर रखा करती हूँ। आपको नींद नहीं आती? हर सवाल का जवाब नहीं होता, कभी कभी बहुत कुछ अनजाने में हो जाता है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि मैं ठीक समझा नहीं। आप सचमुच नहीं समझ पा रहे? काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकती। आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? माला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे, क्या ये सच है? इस सच्चाई को मेरे दिल से पूछो और सबूत मांगो उन रातों से जो मैंने तुम्हारे ख्यालों में डूब कर गुजारी है। मगर माला, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता माला। क्यों नहीं शंकर? माला, तुम शायद नहीं जानती माला कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी है, बच्ची है, नामुमकिन है माला। मुझे नहीं मालूम था। मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो। तो पता है मेरा राज क्या।
बांध लूंगी। तुम मुझ पर क्यों बिगड़ती हो भाभी? मैं क्या लिखना पढ़ना जानता हूँ जो पता ठिकाना लिख लेता? रोज जाकर देख तो आता हूँ, ताला बंद मिलता है, नौकर चाकर का भी। अरे अरे टूट जाएगा, गिर पड़ोगी। औरतें इतनी आसानी से नहीं मरती लाला जी, कम से कम अपने भैया से कहते पता तो लिख देते। यहाँ सारे पैसे खत्म हो गए हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा? मगर मैं कहता कैसे, मिजाज तो देखती लाट साहब का, कहने लगे यहाँ क्यों आया, भाग गया थे। चुप, पागल कहीं का, और न जाने क्या क्या कह दिया उस लड़की के सामने। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही बीवी थी जिसके यहाँ नौकरी लगी। क्यों लाला जी, देखने में वो बहुत अच्छी है क्या? हाँ अच्छी है, लेकिन भाभी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। भाभी! 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 अरे मैं पहले ही डांटता था वो नहीं आएगा, एक नंबर का लुच्चा और बदमाश है वो, समझे उधोराम जी? शंकर। ओ हाँ, शंकर मिश्रा, मेरी डायरी में लिखा है, अगर वो आ जाए तो अच्छी तरह से खबर लेना, चाबुक से पीट के खाल खींच लेना। कर सकोगे ना? जी हाँ वैसे करूंगा। शाबाश, तभी जाकर मेरी छाती ठंडी होगी। अच्छा तो मैं पास वाले कमरे में जाता हूँ, हो सकता है वो अभी आ जाए, समझे उधोराम? आप फजूल इंतजार कर रहे हैं, बट्टू का आज भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मैं उसके घर जाऊंगा। अकेले? तुम डर किस बात का? आप उसे नहीं पहचानते, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ। सुनिए, अगर आपको जाना ही है तो नौकर चाकर को साथ में लेके जाइए। क्या जरूरत है, डरने से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। अगर आपको कुछ हो गया तो? जिम्मेदारी जब मैंने ली है तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। मत जाइए शंकर। देखिए इस तरह रोकने से तो मेरा काम नहीं चलेगा। सब चलेगा, मैं नहीं जाने दूंगी। मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वादा कीजिए कहे बगैर मुझसे नहीं जाओगे। नमस्कार मैनेजर साहब। वाह क्या कहने, ठीक है वाह वाह। आपको इतनी देर क्यों हुई? देर? मेरे ख्याल से तो मैं जरा वक्त से पहले ही आ गया। आपको 9 बजे बुलाया था और इस वक्त 12 बज रहे हैं। जी 12? देखिए मैनेजर साहब, यहाँ घड़ी के मुताबिक कोई काम नहीं चलता, ये ठहरा गांव। हाँ अगर शहर होता तो घड़ी देख के उठता, घड़ी देख के बैठता। खैर जाने दीजिए। अब आप ये बताइए कि मुझे बुलाया क्यों है? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। पहले आप बताइए आप अविनाश बाबू के पीछे को पड़े, आपको मालूम हो आप हमारे गांव में नहीं रहने पाते? मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, मगर आपको आए हुए तो गांव में सिर्फ 4 ही दिन हुए जमाई राजा। फिर वो जमाई राजा? शांति शांति। देखिए मैं आपकी धमकियां सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, और अगर आपको धमकियां देनी है तो अपनी प्रजा को बुलवा लीजिए, न हो मैं ही बुलवा देता। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे सवाल का जवाब। जमीन और जायदाद के बारे में तुमने झगड़ा क्यों लगा रखा है? झगड़ा क्या यूं ही कर रहा हूं मैनेजर साहब, ये आपके अविनाश बाबू जो है ना, इनके पिता थे राय बहादुर दीप नारायण, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, उन्होंने मेरी सारी जमींदारी हड़प कर दी। जब मैंने होश संभाला तो क्या देखता हूं, आपके अविनाश बाबू जमींदारी के आसन पर टटे हुए हैं और मैं रास्ते का भिखारी बना हुआ हूं। तभी तो मैंने अपनी चीज वापस लेने के लिए लड़ाई छेड़ी है। इसलिए रियाया को भड़का के जमींदार को तंग करना शुरू कर दिया, तुम अदालत क्यों नहीं गए? इसमें खर्च जरा ज्यादा है और झंझट भी कम नहीं। हाँ अगर ऐसा मौका आया तो इससे भी पीछे नहीं हटूंगा, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को वकालत पढ़ाई है, ऐसी नौबत ही नहीं आती। अगर अविनाश बाबू मेरी बात मानकर अपनी लड़की का हाथ मेरी लड़की को सौंप देते, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। जब ऐसा नहीं हुआ तो लाठी संभाली। खूब, तू जी चाहता तो मैं मारूंगी। क्या मारूंगा? तुम्हारी तो खाल खींच लेनी चाहिए। बच्चे हो, बिल्कुल बच्चे हो। अरे भाई चाबुक के शोर पर जमींदारी चलाने का जमाना लद गया, नहीं होगा आपसे कुछ नहीं होगा, मेरी मानो
बहिया पकड़ झकझोरी का जो खेल खेल रहे थे वही खेलते रहो, शायद कामयाबी मिल जाए। तुम जैसे शैतानों को सबक देना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, निकल जाना यहाँ से, इसे तुम निकल जाओ। अच्छा अच्छा चला जाता हूँ, मैं यहाँ कोई रहने के लिए थोड़ी आया, मगर ये काम तुमने अच्छा नहीं किया जमाई राजा। बदमाश कहेगा ये आपने क्या किया, आखिर उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? उसके जो जी मैं कहता गया और मैं चुपचाप फड़ा सुनता रहता। गाली गलौज देने के लिए मैनेजर की जरूरत नहीं होती, ये काम तो चपरासी और दरबान भी कर सकते हैं। तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं ये जानती तो मैं मैनेजर ही ना बन जाती, आपकी क्या जरूरत थी? शंकर बाबू आप नहीं जानते कि बट्टू कितना खतरनाक आदमी है। अरे इसीलिए तो मैं उसके सामने नहीं आया। भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिखाया। ये क्या कह रही थी? अरे मैं ठीक ही कह रहा हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी 300 रुपए माहवार, समझे हरिहर? चलो 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 मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहब मेरी भाभी बच जाएगी ना? बचेगी या मरेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तुम्हें जो इंजेक्शन लाने के लिए कहा था वो लेके आए? नहीं ला सका। तो बिना दवा के मैं क्या कर सकता हूँ? कीमत क्या वही? हाँ हाँ वही 10 रुपए, जाओ इंजेक्शन लेके। डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब आप मेरी भाभी को बचा लीजिए। तो जाओ इंजेक्शन लेके आओ, मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब आप देवता है, आप भगवान है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी मेरी भाभी को बचा लीजिए। पागल हो गए हो? कह तो दिया एक दफे इंजेक्शन लेके आओ, मैं लगा दूंगा, छोड़ो। जल्दी करो भैया। जल्दी क्या, खाक करूं? ये क्या लाए हो? और कोई रहता कि पुलिस के हवाले करता, ये पित्तल सोने के भाव में नहीं बिकता। जाओ। पित्तल? हाँ पित्तल। हार गया, इसे कहते हैं मुंह की खाना, समझे वेंकट राम? ये देखो मुझे चिट्ठी लिखी है, अरे दावत भेजी है। किसने दावत भेजी? अरे बटुक चौबे ने, लिखता है श्री अविनाश बाबू के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, एक नहीं दो नहीं कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा आगे सुनो क्या लिखता है। आज रात को मंदिर में हमने एक जलसे का इंतजाम किया है, आप गाँव के बड़े जिम्मेदार और हम सबके पालक हैं, जलसे में शरीक होकर अगर मुझे मान दें तो बड़ी कृपा होगी, आशा है विनती कबूल होगी, आपका दास पटुक चौबे। ये सब तुम्हारी एक ही धमकी का नतीजा है। अच्छा तो ये खुशखबरी लता को सुना दूं, वो सुनकर खुश हो जाएगी। लता कौन? अरे मेरी बेटी लता, उनका नाम तो माला है ना? ओ हाँ 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 माला, मेरी डायरी में लिखा है। अच्छा तो मैं जाता हूँ, हरिना चल मेरे साथ। मैनेजर साहब आपको चौबे जी ने खास तौर से बुलवाया है। मुझे खास तौर से कहूँ? वो नाच जलता है ना, वो नाच होगा गाना होगा और नहीं 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 और क्या होगा? वो आप खुद आके सुन लीजिएगा ना। और क्या होगा? मैनेजर साहब मुझे उन्होंने बताने के लिए मना किया। बताने के लिए मना किया? आप पर भी एक ख्याल बांधा गया, वो भी गाया जाएगा। अच्छा मैं आऊँगा, जाओ जी। अच्छा हाँ वो भी क्या दिन थे भला, हाँ, जब लाजवंती नारियाँ, हाँ गैर के साए से भी करती थी परदादारियाँ। क्या करें अब इस तरह बिगड़ी जमाने की हवा, लोग पर्दे और घूंघट को कहें बीमारियां,
एक बड़े बाप की बेटी को कल घर के मुंशी संग, एक बड़े बाप की बेटी को कल घर के मुंशी संग, अरे देखा घुल मिल पतियां करते और जमाते ढंग के, लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को, एक बड़े बाप की बेटी को कल घर के मुंशी संग, देखा घुल मिल पतियां करते और जमाते रंग के, लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को। आज शहर से आई बीए पास, शहर से आई बीए पास, करेगी गांव का सत्यानाश करेगी, शहर से आई बीए पास, करेगी गांव का सत्यानाश, चले यूं ऊंची संडल डाल हंस की जैसे कौवा चाल, चले यूं ऊंची संडल डाल हंस की जैसे कौवा चाल, अरे सूरत पतली नखरे मोटे बातचीत बेढंग के, लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को, के लग गई, के लग गई, हाँ के लग गई आग जमाने को, जमाने को, जमाने को, के लग गई आग जमाने को, एक बड़े बाप की बेटी को कल घर के मुंशी संग, अरे देखा घुल मिल पतियां करते और जमाते रंग, के लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को। सुनो अब उस मुंशी का हाल, लगे भाई सूरत से कंगा, अच्छा सुनो अब उस मुंशी का हाल, लगे भाई सूरत से कंगाल, लगे भाई सूरत से कंगाल, तो फिर कहां से आए कोट पतलून, ससुर का खाता होगा माल, जरूर कहां से आए कोट पतलून, ससुर का खाता होगा माल, कहां से आए कोट पतलून, ससुर का खाता होगा माल, अरे ये नौटंकी देख के भैया गांव है सारा दंग, के लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को, के लग गई, के लग गई, हाँ के लग गई आग जमाने को, जमाने को, जमाने को, के लग गई आग जमाने को, एक बड़े बाप की बेटी को कल घर के मुंशी संग, अरे देखा घुल मिल पतियां करते और जमाते रंग, के लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को। नगर में होता ऐसा पाप न देखेंगे हम तो चुपचाप, नहीं नहीं, नगर में होता ऐसा पाप न देखेंगे हम तो चुपचाप, न देखेंगे हम तो चुपचाप, है उसके बाप की ऊंची नाक, चलो उस नाक पे डाले हाक, चलो उस नाक पे डाले हाक, हर एक साथ सब चले तो कर दे उसका हुलिया तंग, हर एक साथ सब चले तो कर दे उसका हुलिया तंग, के लग गई आग जमाने को, के लग गई आग जमाने को, के लग गई, हाँ के लग गई, हाँ के लग गई आग जमाने। बंद करिए बकवास, ये क्या हो रहा चौबे जी? कुछ नहीं, ये गांव के लोग गा बजाकर अपना दिल बहला रहे हैं, गांव भर के सामने किसी की बेइज्जती करके। इसमें बेइज्जती का सवाल ही कहां पैदा होता है, साल भर गांव में जो इज्जत और बेइज्जती का खेल चलता है उसी को आज के दिन हम लोग गाकर खामोश मारोगे क्या? तुम जैसे शैतान की तो खाल खींच लेनी चाहिए। इतना भी नहीं जानते कि किस जगह और कैसी बात करनी चाहिए जमाई राजा? ये चारों तरफ मेरे आदमी है, अगर ज्यादा आवाज की तो तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। अरे मालूम हो जाएगा कौन किसके खाल खींचता है, चलो मेरे साथ। खबरना मेरे पिताजी को, हरजा मरेगा, मैं कहता हूँ छोड़ दे। रामदास तू जाने दे, देख लेता हूँ, अगर हिम्मत हो तो छुड़ा ले। रामदास चल, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। पाजी बदमाश कुत्ते की मौत तुझे मरना होगा। खबरदार छोड़ दो, मैं कहती छोड़ दो, मना छोड़ दो, मलक में गोली भरी, हट जा, मना हट जा। रामनाथ बेटा, मना
बेटा रामदास। हम दोनों कलकत्ते चलते हैं। कलकत्ते? हाँ, न जाने बट्टू क्या कर लेगा। हरिराम, तुम पिताजी से कह देना कि हम दोनों कलकत्ते चले गए। कलकत्ते? चलो वहीं चलते हैं। भाग रहे हैं जी? नहीं, मैं तो ऊपर नीचे जी ऊपर नीचे। कहाँ है मुजरिम? ये मुजरिम कौन मुजरिम? कैसा मुजरिम जी? मुझे कुछ भी नहीं। आपका नया मैनेजर? वो कलकत्ते गया है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या नाम है उसका? जी उसका नाम जी जगन्नाथ। जगन्नाथ नहीं मालिक, शंकर मिश्रा। शंकर मिश्रा, मेरी डायरी में लिखा है 5 नंबर केला बगान लेन कलकत्ता। शंकर मिश्रा 5 नंबर केला बगान लेन कलकत्ता, यही ना? तब आइए आप मेरे साथ थाने। जी थाने? जी हाँ। आपके साथ? जी हाँ। अरे हरी राम खड़ा मुंह क्या देखता है, जाता क्यों नहीं दोनों गाड़ी के साथ? मैं मालिक। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं, मुझे प्यास लगी है दरवाजी, थोड़ा सा पानी पी करता हूँ। आइए आपको थाने में पानी पिलवा दूंगा। थाने में? जी हाँ, चलिए चलिए हरी राम। चलो तुम भी। लाला जी। हाँ भाभी। लगता है अब देर नहीं। ऐसा न कहो भाभी, ऐसा न कहो। लाला जी, मेरा एक काम करोगे? कहो भाभी। उन्हें देखने को बहुत मन करता है, एक बार उन्हें मिला दो। मैं जाता हूँ। लाला जी, एक बार, सिर्फ एक बार लाला जी उनके दर्शन करा दो। अच्छा भाभी, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, मैं बड़े भैया को लेकर आता हूँ। मैं बड़े भाई को लेकर आता हूँ भाभी, बड़े भैया को लेकर आता हूँ। घबराओ नहीं शंकर, मैं वकील को अभी टेलीफोन करती हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ, कल से तुमने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। और सुनो, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता। बाजी, बदमाश, कुत्ते की मौत तुझे मरना होगा। खबरदार, छोड़ दो मैं कहती हूँ, छोड़ दो। माना, छोड़ दो। मालिक मैं गोली भरी, हट जाओ। माना, हट जाओ। भैया, भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, माता। ओ बड़े भैया, बड़े भैया, तुम्हारे का बड़े भैया, अब तुम्हें देखकर भाभी बच जाएगी। क्या बोल? अभी बताने का वक्त नहीं बड़े भैया, तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ बड़े भैया, तुम चलो। शंकर शंकर शंकर, कहाँ है शंकर? मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी तो आप आवाज दे रही थी। दे रही थी, लेकिन वो या नहीं है। ओ भाभी, भाभी देखो तो कौन आया है। भाभी, 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 तो, भाभी, तुम जाओ बड़े भैया, तुम जाओ, तुम जाओ बड़े भैया, तुम यहाँ से चले जाओ बड़े भैया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं बड़े भैया। मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा बड़े भैया। मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा। आपका नाम शंकर मिश्रा? जी हाँ, मेरा नाम शंकर मिश्रा। यू आर अंडर अरेस्ट, आपके नाम वारंट है। सिपाही सर, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को पता नहीं लग जाए। बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया को? क्या किया तुमने? माधव, इसका ख्याल रखना। मगर किया क्या है तुमने? कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया को? इन पर खून का इल्जाम है। खून? तुम खून नहीं कर सकते। हट जा माधव, मुझे जाने दे। चलिए चलिए। बड़े भैया, ओ बड़े भैया।
मगर लड़की है बहुत होशियार, सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रही है। हवलदार साहब, मुझे अंदर जाने दो। अंदर जाना मना है। मेरे बड़े भैया का मुकदमा है। बच्चे को लेकर अंदर जाना मना है। तो मैं इसे किसके पास छोड़कर जाऊं? हवलदार साहब, एक बार मुझे अंदर जाने दो। कह तो दिया, शोर मत मचाओ। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये साफ जाहिर है कि शंकर मिश्रा ने ही रामनाथ का खून किया है। शंकर ने अपना जुर्म अदालत के सामने कबूल भी कर लिया है। मुजरिम की हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत उसे 15 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 साल, शंकर, शंकर। माला, माला। हवलदार साहब, क्या हुआ हवलदार साहब? गनीमत समझो, फांसी नहीं हुई, जान तो बच गई, 15 साल की कैद हुई। 15 साल? हाँ, मुजरिम को बाहर ले गए, मिलना तो चले जाओ। मैं इसको लेके मैं क्या करूं बड़े भैया? आप आ गए, अच्छा हुआ। अपना माल संभालो। इतनी रात में बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? आज भर रहने दीजिए। 4 महीने का भाड़ा दे दीजिए, ताला खोल दिया जाएगा। सीधी बात। ओ ओ नहीं नहीं, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अमीरों के ये सोने की घड़ी है। चुप हो जा, अमीरों के ये सोने की घड़ी है। तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है, तेरे लिए को बहुत उम्र पड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा। रोना है गरीबों के लिए कौमी तराना है, क्या समझी? रोना है गरीबों के लिए कौमी तराना। मत रो के मेरी जान, ये है राग पुराना। अब गुल मचा देख, वो पुलिस खड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अमीरों के ये सोने की घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। अम्मा तेरी जन्नत में है और जल में अब्बा, वाह क्या नसीब पाया। चाचा का तेरे पहले से ही गोल है डब्बा, है? देख रही है ना, है? किस्मत में तेरी लिखा है चू चू का मुरब्बा। क्या खूब नजर राहु और केतु की पड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अमीरों के ये सोने की घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। जब दूध नहीं काम, अंगूठे से चला ले। जब दूध नहीं काम, अंगूठे से चला ले। खुद अपना लहू चूस के तू भूख मिटा ले, ओ तू भूख मिटा ले। कहते हैं जिसे सब्र, अरे चीज बड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा,
चुप हो जा अमीरों के ये सोने घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। मांगे से तो कोई तेरा अधिकार न देगा, दुश्मन को तलवार न देगा। लेना है जो दुनिया से उसे छीन के ले ले, नरमी से तो कौड़ी भी ये संसार न देगा। हिम्मत से उठा ले यहाँ जो चीज पड़ी है, ये तोता ये पिस्तौल ये कागज की घड़ी है, ये जमुना के तट श्याम के संग राधा खड़ी है, ये जमुना के तट श्याम के संग राधा खड़ी है, देखो राधा खड़ी है। सच ये है कि तकदीर से तदबीर बड़ी है, चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। चुप हो जा। वक्त तो हो गया है लेकिन शंकर बाबू अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे, वो आ जाए तो मैं तुम्हारे पिताजी का वसीयतनामा आज ही उनके सपोर्ट कर दूं। आज नहीं वकील साहब, कहीं वो ना न कर बैठे। जब वो आ जाएंगे मैं खुद ही उनको गांव ले जाकर सब कुछ समझा दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाला एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम उन्हें लेने के लिए इतनी दूर यहाँ क्यों आई? मैं खुद उसे तुम्हारे पास ला सकता था। ये आप नहीं समझेंगे वकील साहब, 15 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है, आज मैं पहली बार उन्हें देखूंगी। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि आज तक तुमने शादी क्यों नहीं की। वो आ गए। माला, अरे हरिया, अरे सब बाल सफेद हो गए तेरे। फिर भी तो जिंदा हूँ बाबू जी। माला, तुम जैसी थी वैसी हो, 15 साल गुजर गए। पिताजी कैसे हैं? जी वो तो 10 साल हुआ स्वर्गवास कर गए। स्वर्गवास कर गए, बड़े अफसोस की बात है। ये है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा? अरे रे, ओह बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो खुशखबरी मालूम नहीं थी। खुशखबरी? ओह खुशखबरी तो मैं आपको दूंगा, आपको मेरे साथ पुरंदरपुर चलना होगा। पुरंदरपुर? जी। लेकिन अब वो माधो पगला नहीं आया क्या? उसे मालूम नहीं कि आज मैं माधो बच्ची को लेकर ना जाने कहाँ चला गया। चला गया? हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं नहीं मिला। अरे लेकिन ये क्या बात है, साथ में छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हां यानी तो और भी फिक्र की बात है, मुझे उसे तो खोजना ही चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर आएंगे ना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा अच्छा, नमस्ते मिस्टर शर्मा। रमेश शर्मा। आइए। अरे भाई, यहाँ माधो नाम का कोई रहता है? माधो? उसके साथ 15-16 बरस की उसकी भतीजी है। माधो साथ में भतीजी? हाँ। यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। घर चला गया पता नहीं। माधो और साथ में भतीजी? हाँ। यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। Thank you.
आ गए, इतनी देर क्यों लगा दी? माधव को खोज रहा था लेकिन उसको कोई पता नहीं चला। फिक्र ना कीजिए, आपका भाई आपको जरूर मिल जाएगा। वो तो समझा, लेकिन अच्छी तरह तलाश करने के लिए लोग लगाने पड़ेंगे, इश्तहार देने पड़ेंगे, रुपयों की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया माला। सिर्फ इसलिए? हाँ, अगर अगर तुम मुझे मेरी पुरानी नौकरी दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो आप ही की है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया था। हाँ, इसलिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारे पति वो तो मुझे नहीं जानते, उनसे तो पति? हाँ, जिस दिन जेल में आए थे उनसे तो तुम्हें कहना चाहिए ना कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या सोच लिया माला? कि वो मेरे पति हैं। तो तुम्हारा पति नहीं है, फिर कौन है तुम्हारा पति? मेरा कोई पति नहीं। तो उस दिन जो जेल में आए थे वो तो वकील साहब थे। ओ, तो क्या अब तक तुमने शादी नहीं? आखिर क्यों? किसी ने मुझे पसंद ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बड़ी जमींदारी की मालकन हो, तुम्हें कोई पसंद न करे? नहीं, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। हा? मेरा मतलब पिताजी सब कुछ आप ही के नाम कर गए। वो तो मैं समझा कि पिताजी सब कुछ मेरे नाम कर गए, लेकिन क्या करें माला? हाँ, उन्होंने वसीयत की है। ये आखिरी वक्त तूने क्या सोची? नहीं नहीं माला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी नौकरी चाहिए। मगर आप नौकरी करेंगे किसकी, खुद अपनी? हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा, यही समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने वसीयत में इस तरह। सुनिए, मैं अभी वसीयत ले आती हूँ, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। नहीं नहीं माला, इसकी जरूरत नहीं, मैं कुछ कुछ तो समझ ही रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जमींदारी में हिस्सा क्यों दिया, और ये भी समझ रहा हूँ कि 15 साल तुमने समझ कर। शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं जेल में था 15 साल, कुछ दिमाग में। तुम कुछ नहीं समझोगे। नहीं माला, देखो मैं तो कोई हूं नहीं, उन्होंने मुझे जमींदारी में हिस्सा दिया, 15 साल तुमने इंतजार किया किसके लिए? माला, 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 नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 साल का लगान हमसे कैसे दिया जाए? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ हुजूर, माफ करवा दो सरकार। अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप माए बाप हैं हुजूर, आप सब कुछ करा सकते हैं। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। देखो भाई, इस वक्त मुझे तंग मत करो, तुम लोग बाहर जाकर बैठो, मैं मालिक से बात करूंगा, जाओ जाओ। अच्छा, इस वक्त अच्छा, मुझे बहुत अच्छा, काम है। हाँ, जाओ। ए सनातन जी। हाँ, तूने बटुक चोबे का हिसाब तैयार किया या नहीं? हो जाएगा मुनीम जी, हो जाएगा, यहाँ मेरी जान पर बन रही है, और तुम कहते हो कि हो जाएगा। आज अगर बटुक चोबे का हिसाब तैयार ना हुआ तो मेरी नौकरी की खैर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? काम ही तो कर रहा हूँ सर का। काम कर रहे हो या मक्खियां मार रहे हो? हुजूर आ गए। नमस्ते। बटुक चोबे के कागजात तैयार हुए? जी, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। आप सारे कागजात लेकर वकील साहब के पास पहुंच जाइए, और उनसे कह दीजिए बाकी रुकनों के लिए दावा दायर कर दें। जो हुक्म सरकार का। बटुक को सबक दिए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बात जी? अपने मंदिर मोहल्ले की प्रजा आई है। किस लिए? वो चाहते हैं कि लगान माफ कर दी जाए। एकदम नहीं माफ नहीं की जाएगी। उन सब ने बटुक के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दी थी, मैं एक एक से बदला लेना चाहता हूँ। भगा दीजिए उन सबको। जी, जो आज्ञा। मुनीम जी। हाँ हाँ। माधव की कोई खबर नहीं मिली? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिली। अभी तक खबर नहीं मिली, क्या कर रहे हैं आप लोग? हुजूर, कोशिश तो कर ही रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? फिर से अखबारों में इश्तहार दे दीजिए, और ये भी लिख दीजिए कि जो उसकी खबर दे सकेगा उसे उसे काफी इनाम दिया जाएगा। जैसी मर्जी। हम कहाँ जाए? हाँ, तेरा क्या नाम है? चंदू। हाँ, तेरा नाम? मंगल। हाँ, तुम लोग से 4 नंबर गोदाम में जाओ। हाँ, तुम लोग 1, 2, 3, 4, 5 सब 5 नंबर गोदाम में जाओ, और तुम लोग से गोदाम में जाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ ना, काम करो, देर हो रही है। अरे दुबे, ओ दुबे, ओ दुबे, तो भाई कलकत्ते से है? कितने दिन लगा दिए तुमने, खबर मिली? हाँ, बड़ी मुश्किल में पता चला। पता चला? आओ बैठो 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 बैठो। मैं तो पहले ही जानता था, आखिर पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए पता लगा लिया, और मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, इसीलिए कई बार जाकर ठोकरे खाया। अच्छा अच्छा, बड़े भैया से मुलाकात हुई? उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं हुई? हाँ, 2 महीना पहले उनकी रिहाई हो चुकी है। रिहाई हो चुकी है? लेकिन पंडित,
15 साल पूरे होने में तो अभी दिन बाकी है ना। हाँ, अपने हिसाब से तो 3 महीने। हाँ, 3 महीने। तो फिर वो गए कहाँ? ये तो कोई नहीं बता सका। अरे पंडित, आखिर बड़े भैया गए कहाँ? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? अरे दुबे, तुम तो बिल्कुल बुद्धू निकले। कम से कम पूछ तो आते कि बड़े भैया कहाँ है। अरे पंडित, अब मैं क्या करूँ, बोलो ना। माधो मैं, अरे धत तेरे की, तुम दिन भर बैठ के अखबार पढ़ते रहो। ओ, देखता हूँ तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। मुझे ही जाकर ढूंढना होगा, मुझे ही जाकर ढूंढना होगा। माधव चाचा घर में हैं? चाचा जी घर पे नहीं है। सच? तब तो मैं बड़े अच्छे मौके पर। क्या मतलब? मतलब यही कि तुमसे घुल मिल के बातें कर सकूं। और कोई काम नहीं रह गया? बस यही रह गया। समझी? क्या समझी? नहीं नहीं। आशा सुनो तो, सुनो ना। नहीं सुनोगी? नहीं, तुम फिर शरारत करोगे। मोहब्बत में शरारत जायज है, मगर शादी के बाद। शादी तो हम लोग भी कर लेंगे। हाँ। सुनो तो। नहीं नहीं सुनोगी? नहीं नहीं नहीं। अब बोलो, पकड़ लिया ना? मैंने मौका दिया तब ना, नहीं तो कैसे पकड़ लेते? कुछ भी कहो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? क्या करूँ? सजा दूंगा। ऊपर देखो। देखो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर कहीं ऐसे होते? बिल्कुल ऐसे होते। जाओ। चाचा जी, वो मैं जरा वो अरे वो डॉक्टर, ये साइकिल यहाँ क्यों रख दी? कोई चुरा ले गया तो? मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है आजकल तुम्हारा ख्याल किधर रहता है। जी, पिताजी को चिट्ठी लिखी? जी जी नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत नहीं मिलती? मेरी भतीजी के साथ रोज रोज आंख मिचौली खेलने की फुर्सत तो मिल जाती है ना। दत्त, चाचा जी तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। कल तक तेरा बाप मुझे पागल कहता रहा, तेरी माँ भी मुझे पागल ही समझती रही, और आज तूने कह दिया। ठीक है ठीक है, मगर मैं देखता हूँ तुम दोनों की शादी जल्दी करनी होगी। डॉक्टर जी, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे पता ठिकाना लिख दो, मैं जाकर तुम्हारे पिताजी से सब तय कर लेता हूँ। आप पिताजी से मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों? आपको शायद मालूम नहीं, पिताजी बड़े सख्त मिजाज के हैं। अच्छा, तभी तुम उनसे डरते हो? जी। लेकिन डॉक्टर, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम मुझे पता ठिकाना दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तो आप ऐसा कीजिए, पुरंदरपुर स्टेशन पर उतर कर आप किसी से भी पूछ लीजिए बटुक चौबे। क्या नाम बताया? बटुक चौबे। बटुक चौबे बंदरपुर? जी नहीं, पुरंदरपुर। पुरंदरपुर, बटुक चौबे पुरंदरपुर। हाँ हाँ, याद रहेगा, बटुक चौबे पुरंदरपुर। अब 304 आना 4 पाई, बाकी बचे 75,000। हम लोग मुकदमा जीत गए, अदालत में बटुक के खिलाफ 5,000 की डिग्री भी दी। और हुजूर, रुपयों की गैर अदायगी में अदालत ने हुक्म दिया है कि उसकी सारी जायदाद नीलाम करवा दी जाए। बहुत अच्छा हुआ, इतने दिनों बाद मेरा बदला पूरा हुआ। ये खुशखबर मैं खुद उसको सुनाना चाहता हूँ। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। बहुत अच्छा था। अब पता लगेगा शैतान के बच्चे को। बेटा, बटुक चौबे का मकान किधर है? सामने जो बड़ा मकान है वही। अच्छा, बटुक चौबे को आप पहचानते ही नहीं? खूब पहचानता हूँ। औरत की मजबूरी से फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा करने वाले बटुक चौबे को कौन नहीं पहचानता। लेकिन मैं आपके विश्वास तोड़े बगैर नहीं रहूंगा। जमीन की कीमत के 5,000 रुपए मैं सूद ब्याज के मुझे चाहिए। मैं आपको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। रुपए आपको मिल जाएंगे, मेरे लड़के की शादी होते ही पाई पाई आपको चुका दूंगा। बटुक जी, आजकल के जमाने में 5,000 रुपए दहेज में मिलना जरा मुश्किल है। इससे आपको मतलब? लड़का मेरा डॉक्टर है, अच्छी नौकरी करता है, और फिर बलरामपुर के जमींदार साहब की छोटी लड़की से उसकी मंगनी तय हो चुकी। ठीक है, आप 1 महीने में मेरे हिसाब चुका दीजिए, वरना तालाब के उस पार वाली जमीन जो आपकी है उस पर मैं जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। याद रहे ये बात। याद रहेगी।
की शादी? अजी आपकी शादी तो होने से रही, मैं मदन की बात कह रहा था। मदन मदन, डॉक्टर मदन। ओ मदन। उसके साथ मेरी भतीजी की शादी होने वाली है। अरे वो जब होगी तब होगी। सुनिए मुनीम जी। हाँ जी। हम इस जमीन का कब्जा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़िएगा साहब, ये जमीन भला छोड़ी जा सकती है? जरा दम लो ना भाई, पहले मेरी बात खत्म हो जाए तब कह देना। हाँ तो चौबे जी, आपको ये रिश्ता मंजूर करना ही होगा। अरे जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्त है। 5,000 रुपया गिन सकते हो? अरे किसके मुंह लग रहे हो मुनीम, पहचानते? आप पहचान गए, खुफिया के पुलिस हो ना? अरे चौबे जी, 5,000 की क्या बात करते हो? अरे मैं अपनी भतीजी के लिए जान तक देने को तैयार हूँ। आज अगर बड़े भैया होते तो फिर चिंता किस बात की थी। जो भी हो, आप शादी पर आने वाले हैं या नहीं? मुनीम जी वो 11,000, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। दूंगा। कर दो मुनीम जी। तो फिर आप आइएगा ना। अरे बाबा क्या मुसीबत है, आऊंगा। वो मुनीम जरूर आइएगा जी। ओहो जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा अच्छा मुनीम जी, वो कोरट का देखिए, आपने वादा किया है भूल ना, कपास चूल्हे से लठम लठा। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि पागल खाने से छूट कर सीधा यहाँ आया, मेरे बेगे शादी करवा देगा। मुनीम जी जी, बलरामपुर के चौधरी साहब है ना? हाँ जी। उनको कहलवा दीजिए कि आते इतवार को हम दोनों मदन की मंगनी करने चलेंगे। जी अच्छा बस। शर्माए गुरु दिन ये सुहाना है, आज नहीं तो कल पिया घर जाना है। काहे शर्माए गुरु दिन ये सुहाना है, आज नहीं तो कल पिया घर जाना है, आज नहीं तो कल पिया घर जाना है। खिलाओगे? अरे पंडित तुम तो बस अभी से खाऊं खाऊं करके मरे जा रहे हो। याद है बड़े भैया की शादी में भी तुम पेट बजाते रहे,
सब गुड़ गोबर कर दोगे। सुनो सुनो कैसा आनंद आ रहा है। चाचा जी वो दूल्हा आपको बुलाता है। क्यों, क्या वो भी पंडित की तरह खाऊं खाऊं कर रहा है? चल तो देखो। क्यों डॉक्टर, अब तुम्हें क्या हुआ? जी पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अब मुझसे वादा किया तो जरूर आएंगे। वक्त तो हो चुका। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें आपकी बात पर यकीन ना आया हो और उन्होंने आपको पागल समझा हो? है सुना पंडित, पागल। देखा पंडित, पागल। अरे डॉक्टर, अगर तुम्हारे पिताजी मुझे पागल समझते हैं तो फिर वो क्या हुए? मगर पिताजी के आए बगैर ये शादी करना क्या? क्या कहते हो डॉक्टर, मंडप की स्थापना हो चुकी, देव प्रतिष्ठित हो गए और शुभ लग्न समीप आ गया। यदि इस लग्न में विवाह न हुआ तो माधो तो तुम तो मरे और साथ में तुम्हारी बेटी का भी सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं ये बात नहीं, मैं ये सोच रहा था कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो तुम ब्याह नहीं करोगे। जी करना क्या मुनासिब होगा? नहीं नहीं, लग्न बीत जाने पर मेरी बेटी का सर्वनाश करना मुनासिब होगा। मैं पूछता हूँ डॉक्टर, ब्याह तुम्हें करना है या तुम्हारे बाप को? दूल्हे को मंडप में बुलाया है। मैं नहीं जाता। जाओगे कैसे? नहीं मालती पकड़ तो वो कान। आ आ आ, अरे छोड़ो बाबा छोड़ो, मैं चलता हूँ। सीधी चलो 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 दूल्हे राजा, हमारी पलटन को पार नहीं पाओगे। अच्छा बाबा चलता हूँ चलता हूँ चलो। अब ठीक हुआ? हाँ ठीक तो हुआ, लेकिन उसके पिताजी ने आने को कहा था, आया क्यों नहीं? अरे बताने दो, अपना काम तो पूरा हो गया ना। लो चलो गर्मा गर्म पूरियां उतरवाने का प्रबंध करें। हाँ हाँ दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन तुम्हारे पेट की आग बुझनी चाहिए। चलो सबसे पहले तुम्हारे खुजने का बंदोबस्त करता हूँ। जब देखो हाय पूरी हाय कचोरी, हाय पूरी हाय कचोरी। आइए। आइए। मदन मदन। अरे पिताजी आ गए, अब क्या होगा? तुम इतना डरते क्यों हो? मैं डरता क्यों हूँ? तुम्हें मालूम नहीं पिताजी के नाम से शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। अच्छा क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम ठीक कर सकोगी? हाँ लेकिन पहले तुम्हें ये मंजूर करना होगा कि मैं तुम्हारी हाकिम हूँ। एक बार नहीं हजार बार मंजूर कर लूंगा अगर तुम पिताजी को मैनेज कर सके। ओ बेटा मदन, बैठी चौधरी साहब बैठी। बस सगन, क्या अच्छा, कितना अच्छा वक्त है। सगन होते ही पहली गाड़ी से हम लोग चलते हैं। बेटा मदन जरा एक गिलास पानी तो भेज देना। मैं कहता हूँ चौधरी साहब आपकी बेटी राज भोगेगी राज, और फिर देखिए यहाँ की आबोहवा कितनी सुंदर है और हर चीज खाने पीने की निहायत सस्ती। अच्छा दूध बहुत बढ़िया, घी लाजवाब, यहाँ तक कि मैं आपसे जी हाँ लीजिए आप पीजिए। आप पीजिए। कौन बेटी? मैं तुम्हें पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे, अजीब आदमी है चौबे जी। आपने आने का वादा किया था ना? वादा किया था? कैसा वायदा? ये लो इतनी जल्दी भूल गए? अरे आपने अपने बेटे की शादी में आने का वादा किया था। खैर आप ना आए ना सही, मैंने अपनी भतीजी की शादी आपके बेटे से कर दी। शादी कर दी? हाँ, ये रही आपके घर की लक्ष्मी। क्या कहते हो तुम? कोई बुरी बात तो नहीं कहता, ऐसी चांद जैसी बहू आपके बेटे को सात जन्म में भी नहीं मिलेगी। हाँ। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं? अच्छा चौबे जी मालूम तो सब कुछ हो ही गया है, गाड़ी खड़ी है, चलता हूँ। नमस्ते। सुनिए सुनिए तो, क्या करूं क्या करूं? कहाँ है वो नालायक, कुल की मान मर्यादा का सर्वनाश करने वाला, कहाँ है वो? है यही है, आपके डर से छुप गया है। अरे डॉक्टर, ओ डॉक्टर ये रहा। मदन इधर आ। ये आदमी जो कुछ कह रहा है ठीक है? बोल, बोलता क्यों नहीं? जी हाँ 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 पिताजी,
इससे तो अच्छा तूने मुझे 50 जूते मार दिए होते। उधर मैं शादी की बातचीत तय कर आया हूँ, लेने देने की बात पक्की हो गई है, और तू इधर। मदन, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बेटी इसी बहाने ससुराल भी हो आएगी। मेरे साथ अकेला मदन जाएगा। और मेरी बेटी जानियम में? अरे गहरे नथू खैरे की बेटी चौबे जी के खानदान की बहू नहीं बन सकती। चौबे जी मुंह संभाल के बात करो, ये मेरे बड़े भैया की बेटी है, समझे? अगर भैया होते तो तुम्हें मालूम। बस मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। मदन तैयार हो जा। मदन तैयार हो जा? ऐसे कैसे तैयार हो जा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपने बेटे के साथ अपनी बहू को भी ले जाइए। आखिर इस बिचारी का क्या कसूर? आपके बेटे ने देखभाल कर शादी की है। अरे वो डॉक्टर, चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को एक शर्त पे ले जा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्रतिज्ञा करो कि आज से मेरे गांव के सरहद में कभी कदम नहीं रखोगे। की प्रतिज्ञा? और अगर भूल से भी कभी कदम रखा तो धक्के मार के बाहर निकलवा दिए जाओगे, याद रहे। हाँ हाँ, याद रखूंगा। अरे मेरा क्या है, मेरी बेटी चैन से रहे, फिर भला मैं वहां क्यों जाने लगा है? बेटी, आज से तू अपने सास ससुर को ही माँ बाप समझना है? अच्छा, तुम मुझे देखने कभी नहीं आओगे? रोती क्यों है बेटी? वहां तू सुख चैन से रहेगी, तेरा घर बार होगा, और अगर मैं न भी गया तो हर्जी क्या है? आखिर तू रहेगी तो मेरी बेटी ना? चाचा। जी छोटा नहीं करते बेटी, जी छोटा नहीं करते, जी छोटा नहीं करते बेटी। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। खबर मिली कि बेटे की शादी करा के बहू ले आया और हमें खबर तक देना मुनासिब नहीं समझा। तो यह है बलरामपुर के चौधरी की छोटी लड़की। अजी क्या पूछते हैं बेटी, जमींदार साहब को प्रणाम करो। बस बस रहन दो बेटी। ओ, मुंह दिखाए तो कुछ देनी चाहिए, और साथ कुछ है नहीं। खैर, ये लो बेटी। ले लो ले लो, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। बहू तो आप अच्छी लाए हैं। जी हाँ, बहू तो बहुत अच्छी है, पर क्या बताऊं, एक जालसाज के चक्कर में पड़ के मैं तो तबाह और बर्बाद हो गया। दुनिया में कोई जालसाज पैदा नहीं हुआ जो आपको तबाह और बर्बाद कर सके चौबे जी। खैर, आपको अपना वादा तो याद होगा कि शादी के बाद रुपया या जमीन? जी हाँ याद है। आ बेटी, और ये भी याद होगा कि अगर आप ना दे सके तो मैं क्या करने वाला हूँ? जी हाँ, आप क्या करने वाले हैं वो भी मालूम है। चलो बेटी। आ बेटा। कमबख्त, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं कमा के सारा कर्जा चुका। तू कमा के सारा कर्जा चुका देगा, और उधर वो जमीन पर कब्जा करने के लिए कमर कस के बैठा है। लेकिन हम कब्जा होने दे तब ना। आप देखते जाइए पिताजी, ना हम जमीन देंगे ना रुपए। ना हम जमीन देंगे ना रुपए, बड़ा बहादुर। आप देखिए तो सही। अच्छा, ये भी देख लेता हूँ। आप बेशक देख लीजिए। कब की बज रही है? बजने दो। 15 दिन तो गैर हाजिर है, फिर भला नौकरी कैसे रहेगी? चलो उठो, काम काज में रहने से मन लगा रहता है। अरे बेटा, काम काज से तो मुझे छुट्टी मिल गई है। आशा बिटिया थी तो काम काज में मन लगा रहता था, वो ससुराल चली गई, मुझे भी छुट्टी मिल गई। अब क्या है, जब चाहा उठा जब चाहा सो गया, मुझे कहने वाला है कौन है? अरे ये पंडित आकर फिर बकबक करेगा, उससे कह दो बेटा मेरा जी ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे माधो, तुम विश्राम कर रहे हो, उठो उठो। सोने दो मुझे। कार्यक्षेत्र में नहीं जाओगे? तुम जाओ ना पंडित। जाता हूँ, किंतु माधो, आज प्रातःकाल की डाक से आशा बिटिया का पत्र आया है। पत्र? चिट्ठी? आशा बिटिया की चिट्ठी? देखो देखो। हाँ, देखो पंडित, कितनी अच्छी लिखाई है, कितनी अच्छी लिखाई है। आखिर
है तो मेरे एमएबीए पास भैया की बेटी, मेरी बेटी आशा की चिट्ठी। पंडित, जिंदगी में पहली बार मेरा नाम ये चिट्ठी आई है, मेरी बेटी आशा की चिट्ठी, मेरी बेटी आशा। पढ़ो तो पंडित, पढ़ो तो क्या लिखा है। लिखा है, पूज्य चाचा जी को बहुत बहुत प्रणाम। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैं यहाँ राजी खुशी हूँ। हाँ, घर बहुत बड़ा है। होगा होगा, सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं। क्यों नहीं, मगर तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हें देखने को मन बहुत चाहता है। मन तो मेरा भी चाहता है बेटी। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत जरा खराब थी। क्या, तुम्हारी बेटी आशा। फिर से पढ़ो पंडित। तुम्हें देखने को मन बहुत चाहता है। हा? और कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी चाचा जी, तुम्हें देखने को मेरा मन बहुत चाहता है। तबीयत खराब थी पंडित, आशा की तबीयत जरूर खराब होगी। सामान्य ताप होगा, चिंता करने। तुम नहीं समझते पंडित, जब उसने लिखा है तो जरूर तबीयत खराब होगी। तुम तो जानते हो कितनी मुँह चोर लड़की है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा पंडित। किंतु माधो, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी। करनी थी कर ली, मगर बेटी की बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैं जाऊंगा पंडित, मैं जरूर जाऊंगा, भले ही धक्के मार कर निकाला जाऊं, बेइज्जत हूं, मगर मैं जाऊंगा जरूर पंडित, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जाऊंगा पंडित। आशा, आशा, बेटी आशा, बेटी आशा, बेटी आशा, कैसी है बेटी? तेरी बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, अब तो तू अच्छी है ना? हाँ चाचा जी, लेकिन यहाँ बड़ी मुसीबत चल रही है। मुसीबत? मदन कहाँ है? घर के सब लोग दिखाई नहीं देते। वो जमींदार के साथ लड़ने गए हैं। लड़ने गए हैं? हाँ, दोनों तरफ से बहुत से आदमी बुलाए गए हैं, बड़े जोरों की लड़ाई हो रही है। मदन भी गया है, तेरे ससुर भी गए हैं, तब तो मुझे भी जाना चाहिए। चाचा जी,
क्या हुआ? और वो हल्का कब्जा तो मिल गया है हजूर। अपन एक जख्मी आदमी हम अपने साथ ले आए हैं। कहाँ है वो? हुकाम बाहर कोठरिया में पड़ा है। हाँ, उसे यहाँ क्यों ले आए? उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो? अरे हुक्म दिया गया महाराज। कत्ल कर दो उसे, उसकी लाश कहीं गाड़ दो, चल जल्दी। अरे जो हुक्म मंजूर। क्या हुआ? किसे कत्ल करने का हुक्म दिया है? बटुक उसी आदमी को जिसकी वजह से तुमने खून करने का हुक्म दिया। कहाँ जा रही तुम? राम सिंह उसे जान से मार डालेगा। यही मैंने उससे कहा है माला। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता माला। जिम्मेदारी जाती है तो जाए, मगर मैं किसी का खून नहीं होने दूंगी। माला, माला। राम सिंह, जगो। राम सिंह, तुम तो आवाज आने के राम सिंह, माजी, ये सब क्या हो रहा है? मालिक का हुक्म है तो जान से मार के खोद के काट दूं। खबरदार, ये सब बंद करो। मालिक का जो हुक्म है। मैं कहती हूँ बंद करो। राम सिंह, काम हुआ? खामोश करो। जी माजी ने, मैंने मना किया। माला, मैंने तुमसे कहा तुम मेरे काम में दखल मत दो, जाओ। खबरदार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। माला, तुम नहीं जानती जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी जिंदगी भर परेशान हुए, जिसकी वजह से मुझे 15 साल जेल काटनी पड़ी, मुझे अपने भाई और बच्ची से बिछड़ना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का खून करो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं समझती माला, अगर बटुक पुलिस लेकर यहाँ आया और उसे जिंदा पाया तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, मुझे फिर जेल काटनी पड़ेगी। जाओ माजी, मैं कमा कहीं कर। दोनों तक तुझे कितना ढूंढा और आज 16 बरस बाद मिला भी तो किस तरह माधो? तो अगर मैं तुझे मना करता तो बड़े भैया, अब तो तुम मुझे मिल गया बड़े भैया। तुझे कितनी चोट लगी बड़े भैया? अरे तू कितना बुढ़ा हो गया रे, मुझे भी सफेद हो गई, तो मुझसे भी बुढ़ा हो गया। तुम्हें ने तो मुझे बूढ़ा बनाया बड़े भैया। चाचा चाचा जी, चाचा, कहाँ है मेरा चाचा? छोड़ दो मेरे चाचा को, बोलो कहाँ है, कहाँ है? आशा मेरी बेटी। चाचा जी, आशा, आशा मेरी बेटी। जी तुम्हारे माथे से अब तक खून टपक रहे हैं। टपकने दे बेटी, टपकने दे, खून की इन्हीं बूंदों से तो तेरे बाप का कर्जा चुका रहा हूँ। बड़े भैया, ये तुम्हारी बेटी आशा है, बटुक के बेटे की बहू। हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर मदन से इसकी शादी कर दी है। बेटी, ये तेरे पिताजी। तो मेरी बेटी, ये छोटी सी थी तुम। माला, जानती लोग कौन है? यह वही मेरा परला भाई माधव, मेरी भाभी, मेरी बेटी आशा। इनकी माजी से अभी तक खून टपक रहा है। देखो, अरे राम सिंह, जल्दी डॉक्टर को बुला। माधव घर चल। ये रहा शंकर मिश्रा, इसने मेरे समी को जख्मी किया, कैद कर रखा है, आप गिरफ्तार कर लीजिए। से गिरफ्तार करवा रहे हो चौबे जी? बस बस, अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो उल्टा तुम्हें ही गिरफ्तार करवा दूंगा। जानते हो ये कौन है? मेरे बड़े भैया। तुम्हारे बड़े भैया? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मेरे बड़े भैया बहुत बड़े आदमी हैं। शंकर मिश्रा, तुम्हारे बड़े भैया? हाँ। आशा? अरे आशा इनकी बेटी है।
अरे राम 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 राम, तो मैं अपने समधी से ही लड़ रहा था। शंकर बाबू मुझे माफ कर दीजिए, अब तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रहा चौबे जी। मुझे सब कुछ मिल गया और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 16 बरस बाद मुझे मेरा भाई मिल गया। बड़े भैया, जिंदगी भर तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा, अब मुझे छुट्टी, पूरी पूरी छुट्टी। माधव, तुझे कैसे छुट्टी दे सकता हूँ, याद नहीं तुम जो दुश्मन कहा करता था। माधव, दिल के जिस कोने को तू सूना छोड़ गया था, उसमें तुझे हमेशा हमेशा के लिए प्यार का बंदी बना रखूंगा। बड़े भैया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।